दिलीप सिंह जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दिलीप जी, आप कौन सी सिटी से बोल रहे हैं? सर मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ सर। ओके ग्रेट। सो दिलीप जी आप जेड की रैंक पे हैं? जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको। आपने इस प्लेटफॉर्म को कब ज्वाइन किया? सर मुझे सर ये तीसरा महीना चल रहा है सर, तीसरी मीटिंग अभी आ चुकी है तो चौथा स्टार्ट हो गया, मतलब तीन मंथ कंप्लीट हो गया सर। ओके तो आपने जड़ का रैंक क्वालिफाई किया, इसका मतलब ये है कि आपने आपके साथ साथ और कुछ लोगों के अकाउंट्स बनाए। सर अकाउंट सर 21 अकाउंट्स है सर। राइट, एक रेड रैंक आपने कंप्लीट किया है तब जाके एक रैंक क्वालिफाई होता है। राइट जी सर। आपने 21 लोगों के अकाउंट्स बनाए और 21 लोगों के अकाउंट्स आपके साथ अल्टिमा के साथ होंगे। जी सर। तीन महीना पहले अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, इसका मतलब है कि आपके पास सारे के सारे अल्टिमा के अकाउंट्स है। राइट जी सर। ये 21 लोगों में से जो फोन आते हैं आपके पास जी, तो इसमें अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है आपके पास? सबसे बड़ा चैलेंज ये है सर कि मोस्टली जो मेरे 14 अकाउंट है वो सर 90 की रेट में मतलब प्राइस के अंदर लिए गए हैं, तो उनके चैलेंजेस ये आ रहे हैं कि उनके एक्चुअली मिंटिंग भी आ रही है, वो री इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं और वो पेमेंट अपना वॉलेट के अंदर रख रहे हैं कि जब बड़ा आपका अब जाएगा उस समय हम उठाएंगे, अभी हम नहीं उठाएंगे, मतलब बहुत से ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं। लेकिन मैं उनको यही गाइड कर रहा हूँ, आपके जो वॉलेट के अंदर जो पैसा पड़ा है उसकी जब भी अपनी प्राइस अप होगी उस समय आप उठा सकते हो, आप भी राइट हो, करेक्ट है, बट अभी जो पैसा पड़ा है उसका अगर आप री इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका 45 से लेके 50% वापस न्यू कॉइन जनरेट होगा। बट वो चीज को कुछ समझ पा रहे हैं और कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे जैसे बैंक कुछ बैंक के रिलेटिव है मेरे साथ तो वो इस चीज को समझ गए तो वापस री इन्वेस्ट कर रहे, और कुछ ऐसे सरकारी कर्मचारी मतलब एम्प्लॉय है जैसे ग्राम सेवक हो गए ये नगर परिषद के अंदर, तो वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे, वो कह रहे हैं नहीं नहीं हमने तो 90 की रेट में डाला था, हम तो 90 की रेट में इस अमाउंट में डाला था, आपने ऐसा 45 से मैंने 45% ही बोला उस समय ऐसा आ रहा था, हमको ऐसा मिलना चाहिए। मैंने कहा ठीक है जरूर मिलेगा, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो साल भर के अंदर आपका पैसा 3 से 5 गुना होगा, ये मेरी गारंटी है, आप बेफिक्र रहो। तो मतलब ऐसे चैलेंजेस अब काफी कम हो गए क्योंकि मेरे अपलाइन है सोन मेरा, तो मेरे को गाइड करते रहते हैं अपनी टीम को, ऐसा बताते रहो, मैं ऐसे ऐसे उनको हर दिन में पांच बार इनसे बात की, 5 बार उनसे ऐसे करके पर एक दो दिन में उनसे बात करके उनको ऐसे बता रहा हूँ। और दूसरी चीज है उसमें से 5-7 लोग ऐसे है जो सुबह मॉर्निंग की मीटिंग में जैसे अभी भी है, और कुछ ऐसे है जो ना शाम की मीटिंग को, मैंने उनको ये बोला शाम की मीटिंग अटेंड करो वहां से सीखो, आप सीखोगे वो मॉर्निंग का टेक्निकल सेशन है, जैसे थॉमस सर है, सत्येंद्र सर, सत्येंद्र तेवतिया सर है, ये जो बता रहे हैं इनको सिर्फ आपको सुनो, आपको हैंडराइज नहीं करना है, आपके जो प्रश्न है आप मेरे से पूछ लेना, आप वहां पे सिर्फ सुनो, क्योंकि आपके जो प्रश्न है आप नहीं तो कोई और पूछेगा और आपका सोल्यूशन हो जाएगा। आप ऐसे मत सोचो मैंने हैंडराइज किया मेरा नंबर नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन आपका नंबर नहीं आएगा लेकिन जो प्रश्न आपके मन में नहीं उठे वो भी आपको आंसर वहां मिल जाएंगे। तो मतलब बहुत सी सर ऐसे कॉल्स मेरे पास नहीं आ रहे हैं, बट वो ये कह रहे हैं कि सर अभी कम डाउन में रेट चल रहा है तो हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कुछ कोई वीवो जो वीवो एक्सचेंज है अपना उसके अंदर रेट बहुत डाउन हो रही है, तो वो भी मैंने 3-4 दिन हो गए उसकी भी प्लानिंग कर रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ वीवो एक्सचेंज बंद कर दिया गया है, कॉइंस बिट और आने वाले फ्यूचर में बाइनेंस, ये 2 ही चलेगा, हो सकता है सितंबर के बाद इनको ओपन किया जाए लेकिन अभी इसका कोई मेरे पास मैसेज नहीं है। ये सर अभी तक अपने टीम के साथ मैं ये उनको समझा रहा हूँ और चल रहा है, ऐसे अभी 2-4 दिन पहले 2-3 आइडिया और भी लगी है। ओके सो आपने सारे की सारी कम्युनिटी को रिप्लाई कर रहे हैं, उनको मैसेज दे रहे? जी सर बिल्कुल सर, आप एक काम को फोन करे तो भी दे रहा हूँ, अगर आपको मिंटिंग आ रही है और आपको अभी रेट वो नहीं मिल रहा है जिस रेट से आपने बाय किया है तो आपके पास दूसरा ये मौका है कि आप उसको री इन्वेस्ट करके अपने फार्म की साइज को बढ़ा सकते हैं। जी सर बिल्कुल, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के आपका जो मिंटिंग अभी आ रहा है उस मिंटिंग का भी आप कैलकुलेशन फायदा उठा सकते हैं, उसका कैलकुलेशन आप बढ़ा सकते हैं। जी सर बिल्कुल, जो पाइन है उसको आप होल्ड करेंगे इंतजार करेंगे तो एक समय पे तो आपको अच्छा रेट तो देगा, लेकिन उतने समय में अगर आपने उसको री इन्वेस्ट करके फार्म की साइज को बढ़ा दिया
जी सर, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया तो आपका जो पॉइंट का क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाएगा, और जब एक अच्छा मार्केट के अंदर तो तब आपके पास पहले से ज्यादा पॉइंट अवेलेबल होगा जिसका रिटर्न भी आपको अच्छा मिल सकता है। यानी पैसे तो उतने लगाए आपने, पैसे आपके आप जेब से पैसे नहीं लगा रहे आप, जी सर राइट, लेकिन उसी पैसे को आप रीइन्वेस्ट करके उसकी कंपाउंडिंग कर रहे हैं। यानी आपने मान लो कि किसी इंसान को ऐसा लगता है यार मैंने तो किसी के चक्कर में आके गलती कर दी, आप ये मान को ये मान के चलते हैं कि उसको एक साल के लिए इस कॉइन को होल्ड करना है क्योंकि उसकी मजबूत हो चुकी है, उन्होंने ऑलरेडी प्रोडक्ट बाय किया है, अब कॉइन का रेट नीचे है और अगले साल भर उनको इंतजार करना है, और साल भर में उन्होंने खाली कंपाउंडिंग कर दिया और साल भर के अंदर यही रेट आपको दोबारा 50,000 60,000 70,000 80,000 1,00,000 1,00,000 के ऊपर या 40,000-50,000 के रेट के ऊपर मिल जाता है, तो क्या होगा जो कॉइन आज आपको 8-10,000 USDT में मिल रहा है, अगर वही कॉइन 50,000-70,000 USDT पे एक दिन चला जाएगा तो वो हर महीने आपको 6 गुना कंपाउंडिंग करके देगा। जी सर पक्का। और जो उसके रिटर्न्स आएंगे तो कोई अगर बंदा एक साल के बाद बोलेगा कि मेरा तो 10-10,500 का मैंने फार्म खरीदा था तो 15-20-25,000 का मैंने कॉइन लिया था और इसका टोटल कैलकुलेशन मैंने रीइन्वेस्ट करते करते पूरे साल भर में मैंने कैलकुलेशन किया और पूरे के पूरे कैलकुलेशन को कॉइन को मैंने एक साल के बाद बेचा तो लगभग लगभग मैंने 1,00,000-2,00,000-3,00,000-4,00,000 रुपए का अर्निंग किया। जी सर 50,000 से 1,00,000 या 1,00,000 का 2,00,000 का अर्निंग किया। तो दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आपको या कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 25-30,000 रुपए का आपका 1,00,000-2,00,000 रुपए बना के दे सकता है पूरे साल भर के अंदर? कोई नहीं है सर, कोई नहीं है। लेकिन अगर आप हर महीने बेचने के बारे में सोचोगे तो आपकी कहानी वैसी हो जाएगी, एक गरीब आदमी को एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिलती है, 2-4 दिन वो देखता है कि ये मुर्गी डेली एक अंडा दे रही है, फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाती है कि इसके पेट में कितने सारे अंडे होंगे अगर ये डेली एक अंडा दे सकती है, और फिर उसको लगता है कि मेहनत क्यों करूं, मुझे एक साल इंतजार क्यों करना है, इस मुर्गी को अभी के अभी काट लेता हूँ, उसके सारे अंडे एक साथ ले लेता, निकाल लेता और उसको बेच देता हूँ तो मैं अमीर बन जाऊंगा। जी सर राइट, यानी उसके सोच ने उसको गरीब बना दिया। डेली का एक अंडा मिल रहा था, वो अंडा उसको हो सकता है पूरे साल भर पूरे जिंदगी भर आने वाला था, लेकिन उसकी सोच ने उसको क्या कर दिया, एक ही जगह पे उसको खत्म कर दिया, जीरो कर दिया। तो यहाँ पे हमारी सोच अगर पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे हमारे पैसे को कहीं गुना कंपाउंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट बाय किया है वो प्रोडक्ट के अंदर जो मिंटिंग होकर आ रहा है वो एसेट आपको मिल रहा है, उसकी कमिटमेंट कंपनी की तरफ से फिक्स है राइट। लेकिन उसका जो रेट है उसका रेट मार्केट के अंदर आपके और हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, वो रेट कभी भी अप हो सकता है कभी भी डाउन हो सकता है। अगर आप क्रिप्टो बाजार के ऊपर विश्वास करते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप मान लो इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, इस इंडस्ट्री में नए हैं, अब थोड़ा बहुत आपको ज्ञान आ गया पिछले 2-3 महीने के अंदर कि आपने क्रिप्टो खरीदा है किसी के थ्रू, तो बाकी क्रिप्टो मार्केट में कैसे काम करते उसके बारे में तो आपने लोगों से सुनना शुरू किया होगा, थोड़ा बहुत अपना खुद का स्टडी किया होगा यूट्यूब पे जाके राइट। जैसे कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, बिटकॉइन आज से 13 साल पहले स्टार्ट हुआ, 13 साल बाद 6 रुपए के वैल्यू का बिटकॉइन 50,00,000 रुपए तक के वैल्यू पे पहुंचा, और फिर वो 50,00,000 के वैल्यू से 13 साल बाद मार्केट क्रैश होने की वजह से 16,00,000-17,00,000 के वैल्यू पे नीचे आ गया। ये एक बार नहीं हुआ है पिछले 13 साल के अंदर, ये कई बार हुआ है। जब भी मार्केट क्रैश होता है आप शेयर मार्केट के अंदर अगर कोई ज्ञानी बाबा है आपके आसपास में तो उनको भी आप पूछ सकते हैं कि क्या शेयर मार्केट हमेशा आप ही होता है, तो ये उनको पूछो कि हमारे देश की सबसे बड़ी रिलायंस कंपनी है, टाटा ग्रुप है, अदानी ग्रुप है, इनके जब शेयर्स हम खरीदते हैं तो क्या ये हमेशा आप ही होते हैं, जैसे कंपनी का ग्रोथ आप दिखता है हमें, क्योंकि रिलायंस दिन पे दिन बड़ी होती जा रही है, रिलायंस कभी भी छोटी नहीं हुई, बीच में ऐसा कभी नहीं हुआ कि धीरूभाई अंबानी चले गए तो रिलायंस नीचे चली गई। अब मुकेश अंबानी ने रिलायंस का बिजनेस अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफर किया तो रिलायंस नीचे चली गई, ऐसा कभी नहीं हुआ है, रिलायंस हमेशा अप होती गई है। लेकिन रिलायंस के शेयर्स पिछले 50-60 साल में 10 बार नीचे चले गए और फिर दोबारा ऊपर चले गए, तो एक जगह पे कंपनी है जो रेगुलर अपना काम कर रही है और आगे बढ़ रही है, दूसरे साइड कंपनी का स्टॉक है जो मार्केट में कई बार नीचे गिर गया और कई बार अप हो गया। तो ये मार्केट में जब भी स्टॉक गिरता है
वो कंपनी के हाथ में नहीं होता है, लेकिन उस स्टॉक को अगर आपने पकड़ के रखा है तो गिरने के बावजूद भी दोबारा आप जाता है तब आपको प्रॉफिट देता है। तो जो भी लोग एक्सपर्ट है आपको यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आपने किसी अच्छी कंपनी का स्टॉक बाय किया है तो आप उसको सिर्फ लंबे समय के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, जो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा। अब यहां पे अगर हम कंपेयर करते हैं रिलायंस को, अदानी ग्रुप को, टाटा ग्रुप को, तो प्लैटिन वर्ल्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पिछले 6 साल से मार्केट में खड़ा है, और पिछले 6 साल के अंदर दुनिया की कोई ऐसी क्रिप्टो करेंसी कंपनी नहीं है जिसके पास इतना बड़ा ब्लॉकचेन पे इंफ्रास्ट्रक्चर है और मार्केट में खड़ी है। इतनी बड़ी कम्युनिटी है, 100 से ज्यादा कंट्री के लोग एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो इथेरियम का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो बाइनेंस का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो बिटकॉइन का प्लेटफॉर्म हो, वहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है? जीरो अपॉर्चुनिटी आपके पास। आप अगर बाइनेंस पे जाके 25-50 हजार लाख रुपए के अलग अलग कंपनी के टोकन खरीदी करते हैं और मार्केट में जाके आप लोगों को बोलते मैंने कि 1 लाख रुपए के क्रिप्टो खरीदे बाइनेंस के ऊपर, आप भी खरीदो, और अगले एक साल ऐसा सिलसिला आपका चालू रहता है, तो बाइनेंस आपको क्या देगा? कुछ नहीं देगा। और मान लो एक दिन मार्केट क्रैश हो गया, आपका 1 लाख रुपया, 50 हजार रुपया, 40 हजार रुपया हो गया, तो क्या बाइनेंस को मेल करके करेंगे कि मेरा इतना नुकसान हुआ आपके साथ काम करके, आपके साथ इन्वेस्टमेंट करके, आप मुझे पैसे की भरपाई करके दो? क्या बाइनेंस आपको देगा? ना आपको इनकम देगा, ना आपके नुकसान की भरपाई करवाएगा, कुछ नहीं करेगा। वो सब कुछ किसके ऊपर निर्भर है? आपके खुद के ऊपर निर्भर है। आपने मार्केट को कितना समझा, कितना सीखा, उसके ऊपर निर्भर है। लेकिन यहां पे जब आप प्रोडक्ट बाय करते हो और वो प्रोडक्ट आप लोगों को रिकमेंड करते हो, तो आपको यहां पे बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब बाकी की स्टोरी क्या है कि आपने प्रोडक्ट को बाय किया, क्वाइन का मिंटिंग किया आपने, क्वाइन को आपने वॉलेट में होल्ड कर दिया, और फिर आपको लगा कि आप मार्केट के अंदर क्वाइन का रेट बहुत अच्छा तेजी में है, उस वक्त आपने क्वाइन को उठा के एक्सचेंज पे जाके सेल कर दिया और अपने पैसा बना लिया, और साथ ही साथ आपने जो प्रोडक्ट आपके लिए काम करा उस प्रोडक्ट को आपने मार्केट के अंदर लगातार लोगों को रिकमेंड किया और उससे भी आप पैसा बना रहे। अभी मान लो कि एज ए एक्टिव पार्टनर आज मैं पूरे दिन मार्केट में जाके काम करता हूं और मैं एक 5 लाख रुपए का बिजनेस करता हूं, तो 5 लाख रुपए के बिजनेस के ऊपर मुझे लगभग 20% डायरेक्ट कमीशन मिलेगा 1 लाख रुपए। मैंने शाम तक देखा कि आज मैंने 1 लाख रुपए का कमीशन जनरेट किया। अब मुझे आज जो अल्टीमा मिलेगा कमीशन में, वो 1 लाख रुपए के INR के वैल्यू का मिलेगा। अब उसका मार्केट के अंदर क्या रेट है, उसे मुझे क्या लेना देना है? मैंने 1 लाख रुपए के वैल्यू का कमीशन जनरेट किया, जितना अल्टीमा मुझे आज आया, मैं उसको ये नहीं कंपेयर कर सकता कि ये इतना वैल्यू, इतना अल्टीमा 0.001 जिसका वैल्यू आज 1 लाख रुपए है, यही अल्टीमा 2 महीना पहले, 3 महीना पहले 10 लाख रुपए का था। 3 महीना पहले 10 लाख रुपए का था, तुम अगले 3 महीना उसको होल्ड करो, दोबारा 10 लाख रुपए का हो सकता है, लेकिन आज तुमने 1 लाख रुपए का कमीशन जनरेट किया और करंट मार्केट के वैल्यू के हिसाब से 1 लाख रुपए के वैल्यू का अल्टीमा आपको मिला और उसको आज ही आपने बेच दिया, तो आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपने उसको होल्ड कर दिया तो वही 1 लाख रुपए का कमीशन आपका कल 5 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास कमीशन के रूप में जो वापस आया है वो पैसा नहीं है, वो एक एसेट है, और एसेट की वैल्यू कभी भी अप होती है, कभी भी डाउन होती है। तो जब वो डाउन है तो आपको उसको होल्ड करना है, आप है तो उसको आप सेल कर सकते हैं। अब कोई भी क्रिप्टो करेंसी दुनिया के अंदर, अभी पिछले 12-13 साल के अंदर जितने लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया है, राइट, आज मान लो 50 हजार रुपए के USDT के वैल्यू का बिटकॉइन आज 19-20 हजार के वैल्यू पे मिल रहा है। आप मान लो कि किसी ने 4 साल पहले या 2 साल पहले बिटकॉइन 40,000, 50,000, 60,000 के वैल्यू पे खरीदा है और उन्होंने बिटकॉइन को होल्ड किया हुआ है, क्योंकि वो एसेट है। हमारे पास एक घर होता है, दो घर होते हैं, एक प्लॉट होता है, दो प्लॉट होते हैं, राइट, तो हमने उसको जो खरीदा है वो एसेट के रूप में रखा हुआ है। अब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कई बार मार्केट में गिर जाती है, मार्केट गिरने की वजह से, लेकिन हम उसको डर के मारे बेचते नहीं है, क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी, हमारा प्लॉट है, हमने फ्यूचर के लिए रखा है उसको। तो ऐसे क्रिप्टो करेंसी भी हमारे लिए फ्यूचर का एसेट है, उसको हमने अगर बाय किया है तो वो आने वाले 1 महीने के अंदर उसको बेचना है या 2 महीने के अंदर बेचना है या 4 महीने के अंदर बेचना है, साल भर के अंदर बेचना है, उसके लिए नहीं है।
वो कई सालों के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका वर्चुअल एसेट है और ये आने वाले समय का एसेट है। आज से 5-10 साल बाद आपके सिटी के अंदर किसी के पास मान लो एक पूरी बिल्डिंग है, एक मॉल है पूरा का पूरा, उसकी वैल्यू अभी 100 करोड़ की है, और आपके सिटी के अंदर एक बंदा है जिसके पास 100 बिटकॉइन है या 1000 बिटकॉइन है। अब एक इंसान के पास पूरी बिल्डिंग है और एक इंसान के पास 100 बिटकॉइन या 1000 बिटकॉइन है। अब जिसके पास 1000 बिटकॉइन है वो उसके जेब के अंदर मोबाइल के अंदर है, और एक आदमी है जिसके पास पूरा एक मॉल है, वो एक जमीन पे बना हुआ बिल्डिंग है। अब वो मॉल वहां से उठा के कितनी जगह पे उसको लेके जा सकता है, शिफ्ट कर सकता है, वो जिंदगी में कहीं पे भी उसको लेके नहीं जा सकता है। लेकिन जिसके जेब में 100 या 1000 बिटकॉइन है वो दुनिया के हर कोने में उसको लेके घूम सकता है। तो आज से 5 साल या आज से 10 साल बाद अगर मार्केट के अंदर दोनों को कंपेयर किया जाए कि आपके सिटी के अंदर आज के सीनियरों के हिसाब से सबसे अमीर आदमी कौन, तो आज से 10 साल बाद जो मार्केट के अंदर यंगस्टर होंगे, जो क्रिप्टो करेंसी को समझ रहे होंगे, जो भी लोग होंगे क्रिप्टो को समझ रहे होंगे, उनकी नजर में जिसके पास जमीन या घर है या बिल्डिंग है वो अमीर नहीं होगा, जिसके जेब में ज्यादा बिटकॉइन होंगे वो अमीर होगा, वो उसको अमीर मानेंगे। आज अगर हमारे गांव के अंदर, हमारे शहर के अंदर सबसे अमीर आदमी हम किसी को मानते तो किसको मानते? हमारे शहर के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी जिसके पास है उसको अमीर मानते। अमीर हम किस चीज से पहचानते? जिसके पास सबसे ज्यादा एसेट है उससे पहचानते। एक आम आदमी 20,000 की नौकरी करता है उसको कौन मानता है अमीर? एक आदमी पान का ठेला चला रहा है उसको कौन मानता है अमीर? एक आदमी सब्जी बेच रहा है उसको कौन मानता है अमीर? लेकिन एक आदमी के पास ज्वेलरी का शोरूम है, एक आदमी के पास किसी बड़े ब्रांड का शोरूम है, एक आदमी के पास किसी कोई बड़ी फैक्ट्री है, एक के पास किसी बहुत बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग है पूरी रेंट पे चढ़ाई है, आज वो सारे लोगों को हम अमीर मानते हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट है कि इनके पास प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा एसेट है, इनके पास एक बड़ा ब्रांड का शोरूम है, इनका लाखों करोड़ का इनकम है, इसलिए अमीर है। तो आज से 5 साल, आज से 10 साल बाद दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल इंसान उसको माना जाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी होंगे, क्योंकि वैल्यू उसका है कि आप अपने एसेट को जेब में लेके दुनिया में कहीं पे भी घूम सकते हो। आपके पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो उसको घूम नहीं सकते जेब में लेके, आप तो आपका कोई वैल्यू नहीं है मार्केट के अंदर, क्योंकि आने वाला फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी का है। अब जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप होने वाली अगले 10 साल के अंदर हम सोच भी नहीं सकते। आज से 50 साल पहले जो चीजें हमारे साथ आई है वो हमारे कुछ काम की नहीं होगी आज से 10 साल बाद। अगर आज से 50 साल पहले किसी ने बहुत बड़ा शोरूम आपके शहर के अंदर बनाया, आज वो हमारे शहर के तिस्मार खान है, क्योंकि उनका लाखों रुपए का इनकम है, करोड़ों के प्रॉपर्टी उनके पास, लेकिन आज उनके दुकान के अंदर लोग नहीं जा रहे, लोग घर में बैठ के अमेजोन से चीजें खरीद रहे, फ्लिपकार्ट से चीजें खरीद रहे, तो उनका शोरूम आप किस काम का है? अब वैल्यू किसकी बढ़ गई? आज वैल्यू फ्लिपकार्ट और अमेजोन की बढ़ गई, आपके शहर के अंदर सबसे बड़े शोरूम के मालिक की वैल्यू कुछ भी नहीं है अभी, वो थी आज से 10 साल पहले लेकिन आज नहीं है। लेकिन आज से 10 साल बाद ऐसा ही एक इंसान होगा जिसके पास वर्चुअल एसेट होगा, डिजिटल एसेट होगा, दुनिया में उसकी वैल्यू होगी। तो ये जो क्वाइन आप जो अभी मिंट कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपका मिंटिंग आ गया तो उसको अगले दिन उसको बेचना है। पिछले 12-13 साल के अंदर बहुत सारे ज्ञानी बाबा है वो बोलते मैंने बिटकॉइन खरीदा था, मैं बिटकॉइन की ट्रेडिंग करता हूं, लेकिन उनके जेब के अंदर या उनके वॉलेट के अंदर आपको बिटकॉइन नहीं मिलेगा। ऐसा एक सिंगल आदमी मुझे दिखाओ जो बोलता मैं बिटकॉइन को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मेरे पास बिटकॉइन का क्रिप्टो का बहुत अच्छा नॉलेज है, मैं पिछले 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल से इसके अंदर काम कर रहा हूं, उसको सिर्फ इतना बोलो ये सारा ज्ञान बांटने के बाद, बोलो आपके पास अब बिटकॉइन कितना है? आप अपना एक्सचेंज का अकाउंट दिखा दो या आपका कोई वॉलेट दिखा दो, वो कुछ नहीं दिखा पाएंगे आपको। तो ज्ञान से पेट तो भरता नहीं है, सच्चाई क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो आज अगर आपने अल्टीमा का फार्म खरीदा है और आपने पूरे साल भर पॉइंट को मिंट करके बेच डाला, और एक साल बाद आप लोगों को ज्ञान बांटोगे कि मैंने भी अल्टीमा का फार्म रखा था, मेरे पास भी अल्टीमा था, लेकिन आपकी आप कहां हैं? नहीं है, मैंने बेच दिया। और हो सकता है ऐसे एक साल बाद अल्टीमा 1 लाख 2 लाख USDT पे हो। जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के पास है, जो प्रोजेक्ट कंपनी लेके आ रही है, जो उसका फ्यूचर है, उसके हिसाब से तो उसकी वैल्यू कभी भी वहां तक जा सकती है, उससे कई गुना जा सकती है ऊपर। लेकिन उस वक्त आपके पास अल्टीमा नहीं होगा
और फिर आप मार्केट में लोगों को ज्ञान दोगे, इसका फार्म मैंने भी खरीदा था, मैंने भी मिंटिंग किया था, लेकिन जैसे बिटकॉइन की स्टोरी है वैसी स्टोरी आपकी और हमारी भी बन सकती है अगर हमने उस अल्टिमा को आगे फ्यूचर के लिए होल्ड नहीं किया तो। आज आपको मौका मिला उसको मिंट करने का, लेकिन यही अल्टिमा 50, 60, 70, 80 हजार USDT पे, 1 लाख USDT पे एक साल बाद अगर आपको मिलता है मार्केट में और आपके पास नहीं है, तो क्या दोबारा आप इतने महंगे वैल्यू पे आप खरीद सकते हो उसको? कभी नहीं खरीद पाएंगे। जैसे कहावत होती है ना कि हमारे शहर के अंदर आज से 10-20 साल पहले जो शहर के बाहर का एरिया था जहां जंगल था वहां जमीन का भाव बहुत सस्ता था, किसी ने प्लॉटिंग करनी शुरू कर दी, बहुत सस्ते में बिक रही थी, कुछ लोगों ने खरीदी, कुछ लोगों ने नहीं खरीदी, जिनके पास पैसा था उसमें से किसी ने नहीं खरीदी, जिसके पास पैसा नहीं था उसने कहीं से जुगाड़ करके खरीदी और 10 साल बाद पता चला वो जमीन का भाव करोड़ों का हो गया। आप जिसने नहीं खरीदी, जिसके पास पैसा था वो अभी भी ज्ञान बांट रहे, उसको कौड़ी के दाम में मिल रही थी, हमने नहीं खरीदी, और जिसने खरीदी उसका पैसा कई गुना हो गया, लेकिन कब हुआ? वो 10 साल बाद हुआ। और कुछ ऐसे भी होते, मैंने तो खरीदा था लेकिन कुछ काम आ गया अर्जेंट, फिर बीच में बेच दिया। तो यहां पे जो कॉइन आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो कॉइन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए। वो कॉइन को दोबारा आप खरीदने नहीं वाले क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं होगा, लेकिन आज जिस रेट में आपको मिल रहा है, आप जिसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपने एक मशीन खरीदी है, उसके अंदर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, वो मशीन आपको 5, 5.5, 6 गुना कॉइन को प्रोड्यूस करके देने वाली है। तो वो बेचने के लिए नहीं है, उसको होल्ड करने के लिए। यानी आप इस प्लेटफॉर्म पे है, आपने आज से एक साल बाद जब आपका मिंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तब अगर आपको कोई पूछेंगे कि आपके पास अल्टिमा कितना है, तो उस वक्त आप ये बोल सकते हो कि मैंने जो 12 महीने में अल्टिमा को मिंट किया था वो पूरा का पूरा अल्टिमा मेरे पास है। तब आप इस प्लेटफॉर्म पे धनवान बनेंगे, तब आप इस प्लेटफॉर्म से अमीर होंगे। लेकिन आप बोलोगे मैंने 12 महीने जो अल्टिमा मिंट किया था उसको मैंने बेच दिया, तो फिर आप जहां थे 12 महीने पहले वहीं पे दिखोगे, तो फर्क ये होगा। यानी हम सब लोगों को यह माइंड सेट बनाना है कि जो अल्टिमा अभी आपके पास मिंट होके आ रहा है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। जिस दिन अल्टिमा की मिंटिंग बंद हो जाएगी और उस वक्त मार्केट के अंदर जो नए लोग अल्टिमा खरीदने के लिए आएंगे, क्योंकि उनको कार खरीदनी है, घर खरीदना है, हॉलीडेज पे जाना है, गाड़ी का पेट्रोल भरना है, घर का राशन भरना है, उनको इंटरनेशनल कहीं जाना है, उनके जेब के अंदर क्रिप्टो का कार्ड होगा, तब जब उनको अल्टिमा की जरूरत होगी तो वो अल्टिमा किसी भी रेट में एक्सचेंज पे जाके खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। और उस वक्त वो अल्टिमा बेचने वाले कौन होंगे? जिनके वॉलेट में अल्टिमा होगा। जैसे बीच में हमने देखा कि दुबई के अंदर जब कार प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो दुबई के अंदर कई सारे बड़े लोग थे, अमीर लोग थे, जिनके सपने थे कि जिंदगी में मेरे पास एक दिन लैम्बोर्गिनी होनी चाहिए, पोर्श होनी चाहिए, कोई और गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन आज मेरे बजट में नहीं है, 5 करोड़ की गाड़ी मैं आज खरीद नहीं सकता हूं। लेकिन उनको कहीं से मैसेज मिला कि 5 करोड़ की गाड़ी 2.5 करोड़ में मिल रही है, तो उन्होंने बोला कि ये कैसे पॉसिबल है। और फिर जैसे उनको ये मौका मिल गया, उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए की अल्टिमा जाके एक्सचेंज पे खरीदे और 5 करोड़ की उन्होंने पोर्श ले ली, लैम्बोर्गिनी ले ली, उसका सपना पूरा हो गया। अब उस वक्त उसको ये नहीं पता था कि अल्टिमा किसने प्रोड्यूस किया है, किसके वॉलेट से एक्सचेंज पे आ गया है, उसको कोई लेना देना नहीं था। उसको लेना देना था कि मुझे 5 करोड़ की गाड़ी 2.5 करोड़ में मिल रही है, वो अल्टिमा किसका है भाड़ में गया मुझे नहीं मालूम, मुझे तो एक्सचेंज से खरीदना है उसको। तो आने वाले समय में जब ये सारे प्रोग्राम्स काम करेंगे और आपके वॉलेट में अल्टिमा होगा, तो एक्सचेंज पे जो आदमी अल्टिमा खरीदने के लिए जाएगा वो ये नहीं देखेगा कि इंडिया के किसी आदमी ने इसको प्रोड्यूस किया है, वर्ल्ड के किसी कोने में किसी ने उसको प्रोड्यूस किया है, वो ये देखेगा कि ये अल्टिमा की वजह से मुझे क्या मिल रहा है, मेरा क्या फायदा हो रहा है। और वो इन्वेस्टर एक्सचेंज पे आके आपका अल्टिमा खरीदी करेगा, तब उस वक्त जो भी रेट होगा उस रेट से वो खरीदी करेगा, क्योंकि उसको उसमें बेनिफिट मिल रहा है, और तब आप बेचोगे तो आपको आपका बेनिफिट मिलेगा। तो हम सबका एक अपना माइंडसेट बनाना है कि हमने जिस मशीन को खरीदा है, जो मशीन हमें कॉइन को प्रोड्यूस करके देने वाली है, वो कॉइन को अगर हमने आगे लंबे समय के लिए होल्ड किया, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, तो ये 3 साल के अंदर हमें मालामाल कर सकता है, हमारे सपनों को पूरा कर सकता है। लेकिन 90% लोगों के पास 1 साल के बाद उनके वॉलेट खाली होंगे, उनके फार्म खाली होंगे, उनके पास अल्टिमा नहीं होगा, उन्होंने ऑलरेडी उसको बेच दिया होगा। इसलिए दुनिया के अंदर 80-20 का रूल है, यानी दुनिया का 80% पैसा 20% लोगों के पास है, और बाकी के 20% पैसे के लिए पूरी 80% दुनिया क्या कर रही है, झगड़ रही है।
क्योंकि उन्होंने कभी पैसे को सेविंग में नहीं रखा, उन्होंने पैसे को फ्यूचर के लिए कभी सोचा नहीं, तो जिसके वजह से आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सेम रूल यहां पे लागू होता है कि अगर हमने अपने क्वाइन को होल्ड कर दिया तो हम 20% लोगों में जा सकते हैं, अगर हमने अपने क्वाइन को आसानी से बेच दिया तो फिर दोबारा हम 80% लोगों में खड़े हो जाएंगे और फिर कॉम्पिटिशन का हिस्सा बन जाएंगे कि दोबारा हम अल्टीमा कैसे खरीद सकते या फिर दोबारा हम पैसा कैसे बना सकते। तो आपको पैसा बनाना है तो आपको 20% का पार्ट बनना होगा। 20% का पार्ट का मतलब ये होता है वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, वो फ्यूचर के लिए कोई भी एसेट को होल्ड करके रखते हैं। गीता शेरावत मैडम आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं करनाल से बात कर रही हूँ सर। ओके, तो आप पर्ल के रैंक पे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। टोटल कितने अकाउंट्स हैं आपके साथ? मेरे 43 अकाउंट है सर। 43 अकाउंट है, ओके। आप अभी क्या करते हैं? आप हाउसवाइफ है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं? नहीं सर, मैं हाउसवाइफ हूँ। पहले इंश्योरेंस सेक्टर में किया है मैंने, रिलायंस में। फिर ये प्लेटफॉर्म मिलने के बाद मैंने रिजाइन कर दिया था सर। तो इंश्योरेंस सेक्टर में आपने कितने साल काम किया मैडम? कितने साल नहीं सर, मैंने सिर्फ 4-5 महीने काम किया वहाँ पे, क्योंकि मुझे वहाँ पे ऐसा लगता था कि मैं दूसरों के लिए टाइम पास हूँ सर। हमें डेली की 20 कॉल्स करनी पड़ती थी, फिर सैलरी इतनी नहीं थी। तो उसी दौरान मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, बट इसमें भी मैंने कुछ ज्यादा फोकस तक नहीं किया था उस टाइम, क्योंकि थोड़ा सा समझ से बाहर था। लेकिन जो मेरे अपलाइन है सागर पाल सर, तो उन्होंने मुझे मतलब फॉलो अप लेते रहे हर 3rd दिन, हर 10वें दिन, हर 15वें दिन। तो बोला मैडम अगर आपको जो भी करनी है तो आप मीटिंग सुनो और उसके बाद मुझे बताना कि करना क्या है। तो मैंने 27 फरवरी से मीटिंग को। हाँ जी सर, मुझे आप एक कंपैरिजन बता दो कि जब आपने इंश्योरेंस में जाने का डिसीजन ले लिया, हाँ जी, तो उसके पहले तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, राइट? नहीं सर। वो आपको अच्छा लगा होगा कि भाई ठीक है, कोई ना कोई एक काम मिल रहा है जिससे घर के लिए पैसा आ सकता है जी। आपने उसको ज्वाइन किया, उसमें ट्रेनिंग मिली आपको, फिर आपने वहां पे काम करना स्टार्ट किया। हाँ जी। फिर आपको लगा कि नहीं ये तो मेरा कोई करियर नहीं बना रहा है, ये कब लगा आपको? ये प्लेटफॉर्म को देखने के बाद लगा या इसके पहले लगा था जब आप उसको इंश्योरेंस को कर रहे थे? इंश्योरेंस को कर रही थी सर, उस टाइम भी मेरे माइंड में यही चल रहा था कि मैं करना तो कुछ और चाहती थी, बट पैसा ही मतलब ऐसा है कि पैसा हर जरूरत फील करता है सर। तो लेकिन वहां पे मैं सेटिस्फेक्शन के साथ नहीं काम कर रही थी। ओके, तो मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, मैंने 6-7 दिन इसकी मीटिंग सुनी। उस टाइम मेरे पास पैसे भी नहीं थे सर, तो मैंने अपनी फ्रेंड से लिया 20,000 रुपया। तो मैंने एक छोटी सी आईडी लगाई सर, जैसे ही मैंने आपको सुनना शुरू किया सर, तो मैंने अपना पूरा मन बना लिया कि मैंने यहीं पे काम करना है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपको सुन के जो एनर्जी आती है उससे। तो आपने जब इंश्योरेंस में 5-6 महीना काम किया, हाँ जी, उस दरमियान आपको पैसा बहुत कम मिला होगा, लेकिन उसके बदले में जो आपको मैडम सीखने को मिला ना, वो पूरी जिंदगी भर काम आ सकता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो आपकी मेहनत कहीं नहीं गई है। जी जी जी, बात करने का मतलब पास... हाँ जी, हेजिटेशन जो होता था वो वहीं पे खत्म हुआ है सर, क्योंकि एक अननोन पर्सन से बात करना भी बहुत बड़ी बात है सर। राइट राइट, तो आपने 5-6 महीने वहां पे ट्रेनिंग किया, कॉलिंग की, आपको सीखने को मिला कि लोगों से बात कैसे कर सकते, लोगों को कन्विंसिंग कैसे करते, लोगों की काउंसलिंग कैसे करते प्रोडक्ट बाय करने के लिए, राइट? क्योंकि हमारे देश के अंदर सेल्स का काम अगर कोई इंडस्ट्री सिखाती है सबसे पहले तो इंश्योरेंस सिखाती है। इंश्योरेंस अगर किसी ने काम किया तो जिंदगी में कभी वो इंसान भूखा नहीं रह सकता है, राइट? तो 5-6 महीने का वो एक्सपीरियंस आपको फिर एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, क्योंकि ऑलरेडी आप ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि आप अपने जिंदगी में अगर कोई सपना देख रहे और इस वक्त जो काम कर रहे हैं उसे पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन वो सपना आप देख रहे हो तो ऊपर वाला आपको वहां तक कॉन्टैक्ट देता है जरूर।
एक्चुअल में सर मैं मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, मेरे हस्बैंड ये करनाल में जैस होटल में ही जॉब करते हैं सर। तो बेटा मेरा अभी 12th के एग्जाम दे चुका है और उसने सपना देखा है कि मुझे मेडिकल लाइन में जाना है। तो मुझे हमेशा से यही टेंशन रहती थी कि मेडिकल लाइन में तो पैसा बहुत लगता है और मैं कैसे कैसे करा पाऊंगी ये सब। बस थैंक्स ये सागर पाल सर जी आए लाइफ में, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई सर। और मुझे अब पूरी उम्मीद पूरा मतलब मुझे ये दिख रहा है कि मैं यहाँ से सब कुछ कर सकती हूँ सर। अभी आपके जो बेटे हैं वो लगभग 18 साल की एज के, राइट? हाँ में पढ़ रहे हैं, 17 से 18 साल की एज के होंगे। क्या आपने कभी उनको बोला कि यहाँ पे हमारी थोड़ी मदद करो ये टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, या उनका कोई इन्वॉल्वमेंट हुआ है आपके साथ? सर जैसे मैं कभी कभार डिस्कस करती हूँ तो वो मतलब इसको पिक भी जल्दी कर लेता है, लेकिन अभी थोड़ा सा अभी 17 को एग्जाम है नीट का, तो इसलिए भी मैं उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही। उनसे हमें काम नहीं करवाना है, उनसे हमें इन चीजों को सीखना है कि ये क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट कैसे काम करता है, फॉर्म कैसे काम कर सकता है, केवाईसी कैसे बन सकती है, क्योंकि इन सारी चीजों में उसको बिना समझाने पे ही वो चीज एक बार देखने के बाद वो अपने आप ही कर लेता है सर सब कुछ। तो जैसे जैसे ये सारी चीजें उनकी समझ में आएगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, देखो क्या होता है कि हमारे बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ उनके पास एंड्रॉइड के फोन है, वो दिन के कम से कम 2 घंटे खराब कर रहे हैं कपिल शर्मा के शो देख के, गाने सुन के या गेम्स खेल के। जी। पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई के साथ जो 2 घंटे खराब कर रहे हैं ना डेली के इंटरनेट के माध्यम से। हाँ जी। तो अगर वही समय उन्होंने 2 घंटा इन सारी चीजों पे लगा दिया तो जिंदगी में कोई भी एजुकेशन लेंगे, चाहे वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आर्किटेक्ट बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, मेन तो हमारा सबका गोल है जिंदगी में अच्छी जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत है और पैसा कमाना है। हाँ जी। तो इससे बड़ा पैसा दुनिया में किसी बिजनेस में नहीं मिलने वाला, किसी काम में नहीं मिलने वाला है। सर ये मैं समझ रही हूँ, बट मैं नहीं चाहती कि मैं उसको दबाव के साथ इस प्लेटफॉर्म पे लाऊं या कुछ ऐसा करूं। मैं मतलब शुरू से ही सेल्फ डिपेंड बनाने में विश्वास रखती हूँ सर। धीरे धीरे जैसे कभी बैठते हैं डिस्कस होता है सर, तो वो भी समझता है इन चीजों को। तो वो अभी बोल रहा है कि मम्मी मुझे अपने काम पे फोकस करने दो, मैं साथ साथ इसको भी फॉलो करूंगा, अभी थोड़ा सा मुझे अपने काम पे फोकस करने दो। देखो दबाव के साथ तो दुनिया में कोई काम किसी से कोई नहीं करवा सकता। अगर हम हमारे बच्चों को बोलेंगे कि तुम पढ़ाई मत करो, खेलने में जाओ, और उसको खेलने में इंटरेस्ट नहीं है, वो कभी भी उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन जिसको खेलने में इंटरेस्ट उसको बोलो पढ़ाई करो, तो ना वो पढ़ाई में आगे बढ़ेगा ना खेलने में आगे बढ़ेगा। हमें क्या करना है कि आज की डेट में आने वाले फ्यूचर के लिए जो चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसका बेसिक नॉलेज हमारे बच्चों को होना चाहिए। धीरे धीरे उनकी इन्वॉल्वमेंट हमें बढ़ानी है, उनको नहीं फोर्स करना कि आपको यहाँ पे काम करना या ये जूम के मीटिंग अटेंड करना, नहीं, उनको ये बोलना है कि देखो ये हमने बाय किया है, ये टेक्नोलॉजी है, इससे हमें पैसे आ रहे हैं, हमारा इनकम बढ़ रहा है, तो इसमें आप थोड़ी सी मदद क्या करो कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है उसको समझने की कोशिश करो। तो धीरे धीरे जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक उनको ऐसा लगेगा नहीं मैं बाकी जो कर रहा हूँ उससे अच्छा तो मुझे ये लग रहा है, और जिस दिन ऐसा उनका माइंडसेट बन जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे भी सक्सेस हो सकते, इस इंडस्ट्री में भी सक्सेस हो सकते। नहीं सर मैंने मतलब बच्चे को पहले से ही ऐसे तैयार किया, जैसे फिफ्थ तक मैंने खुद पढ़ाया सर, तो वो कभी भी मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि बेटा जा पढ़ाई कर ले, वो कभी भी बाहर किसी सर्कल में या फ्रेंड सर्कल में या कभी फोन भी मेरे पास ही पड़ा रहता है उसका। टच वुड अब तक तो ठीक चल रहा है, बाकी मैं यही चाहती हूँ कि वो अपने मन से यहाँ पे, बाकी मैं उसको समझाती रहती हूँ कि ये स्कैन बार है, इसको ऐसे उठाना है, इसे ऐसे करने से, ये अभी आज मेरा अल्टीमा आया है इतने का आया है, तो थोड़ा बहुत मैं डिस्कस करती हूँ सर। बाकी मैं वॉलेट फॉर्म बनाना, केवाईसी करना, ये चीज मैं सीख लिया। हमारे जो बच्चे है कि जरूरी नहीं कि उनको हमें इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना है, लेकिन ये इंडस्ट्री का पोटेंशियल आप समझ लो कि इसका फ्यूचर कितना बड़ा है क्रिप्टो करेंसी बाजार का आने वाले समय में। जितना पिछले 30-35 साल में इंटरनेट की दुनिया ने लोगों को दिया है, लोगों की जिंदगियां बदली है, ऐसा ही आने वाले समय में टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो करेंसी लोगों के लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाला है। राइट, तो अगर उसका बेसिक नॉलेज आज से अगर हमारे यंग जनरेशन को मिलेगा 16-17-18 साल की एज में, तो आज से 3-4 साल बाद जब वो एक डिसीजन पे जाएंगे कि मुझे जॉब करना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे क्या करना है, तो उस वक्त उनके पास एक ऑलरेडी ऑप्शन होगा
पेरेंट्स को ब्लेम करेंगे ना सरकार को ब्लेम करेंगे कि हमारे पेरेंट्स ने अच्छे स्कूल में नहीं भेजा इसलिए हम अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाए, हमारी देश की सरकार गवर्नमेंट की नौकरियां नहीं दे रही इसलिए हमें नौकरियां नहीं मिल रही है, राइट। उस वक्त उनके पास अपना खुद का एक ऑप्शन होगा, वो कभी ना जॉब के बारे में सोचेंगे, ना कभी सरकारी नौकरी के बारे में सोचेंगे, ना कभी किसी को ब्लेम करेंगे, वो इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं। आज बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे पार्ट टाइम काम करते करते एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गए जिनके लाखों रुपए के मंथली इनकम आ रहे हैं। अब उन्होंने कभी जिंदगी में जॉब के बारे में नहीं सोचा, राइट, ना वो कभी फ्यूचर में सोचेंगे, ना वो कभी सरकार को ब्लेम करेंगे, ना पेरेंट्स को ब्लेम करेंगे, क्योंकि उनको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल गई है उनको इंडिपेंडेंट जिंदगी जीने की। तो यही मौका हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के साथ हमारे अगर बच्चों को देंगे तो 2-3-4 साल बाद इस इंडस्ट्री का आप वो हिस्सा बनेंगे तो उनके पास अपना खुद का एक फ्यूचर होगा। जी सर। तो आप ये बताइए कि आपके टीम के अंदर टोटल अकाउंट्स कितने? 43 है सर। 43 लोगों के क्या चैलेंजेस है अभी करंट सीनेरियो के हिसाब से आपके पास जो लोगों के फोन आ रहे हैं? सर 2-4 हैं पर्सन जो बोलते हैं कि एलएक्स सर ने मतलब अपना जो बोला था वो नहीं निभाया कि मैं 60 पे स्टेबल करूंगा, 80 पे स्टेबल करूंगा, या फिर मतलब 3 साल के लिए फॉर्म के लिए बोला था अब 1 साल में ही मतलब इसको खत्म करने जा रहे हैं। कुछ पर्सन हैं कॉल करते हैं कभी कभी प्राइस को लेके होता है कि आप तो बोल रहे थे कम नहीं आएगा और ये तो बहुत कम आ चुका है, इस तरह के चैलेंज हैं सर। ओके, और क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इसके अलावा? ज्यादा तो सर प्राइस को लेके ही पैनिक है सर। 3-4 पर्सन मुझे ऐसे मिले थे कि जो जुनून के साथ इसमें काम करना चाहते थे लेकिन अब प्राइस को लेके वो बिल्कुल बैठ चुके हैं, वो आगे काम ही नहीं कर रहे सर। सारा जो टोटली वर्क है वो फिलहाल तो मैं ही कर रही हूँ सर। तो वो जो 4 पर्सन है जो काम करना चाहते थे, हाँ जी, क्या वो जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया इस प्लेटफॉर्म को तब से लेके अभी तक सुबह शाम दोनों टाइम जूम पे आते हैं? जूम पे सर 3 पर्सन हैं ऐसे जो रूटीनली जूम को सुन रहे हैं और काफी मतलब उनको इस चीज की मतलब नॉलेज भी है, बट फिर भी रेट को ही लेके ज्यादा पैनिक हो रहे हैं सर। ओके, तो मोस्टली तो वो लोग हैं जिनके पास कोई भी नॉलेज नहीं है क्रिप्टो बाजार का, इस प्लेटफॉर्म का, उनके पास सबसे ज्यादा चैलेंज है, राइट, क्योंकि उनके मन में सबसे ज्यादा डर है। लेकिन जो लोग रेगुलर जूम पे आते हैं, अलग अलग लीडर्स को सुनते, कंपनी के सीईओ को हर मंथ को सुनते, तो उनके दिमाग में एक उनका एक माइंड सेट है कि नहीं, कंपनी कुछ ना कुछ नए अपडेट देके आ रही है, कुछ ना कुछ नई प्लानिंग कर रही है, इसका मतलब कि हम इस प्लेटफॉर्म पे टिक के आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हैं। लेकिन जिनके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, जो घर पे बैठे हैं, तो उनके मन में सबसे ज्यादा डर है। तो आपने क्या करना है कि आपकी पूरी की पूरी कंपनी को ये बोलना है, एटलीस्ट आप घर पे बैठे हो, आपने प्रोडक्ट बाय किया है, कि आप सुबह शाम इसको सुनने की कोशिश करो घर पे बैठ के, ताकि आपका बेसिक नॉलेज बढ़ेगा, राइट। आपके मन में जो डर है वो निकल जाए। अब इसमें जो इंसान को अपना फ्यूचर दिख रहा है वो यहाँ पे काम करेंगे, जिनको फ्यूचर नहीं दिख रहा है वो काम नहीं करेंगे। लेकिन अल्टरनेट उनके पास ऑप्शन क्या है? अगर मान लो कि आप यहाँ पे काम नहीं कर रहे हो तो काम तो आपको कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा, राइट। हाँ जी। लेकिन वहां जाने के बाद क्या उनके पास चैलेंजेस नहीं आएंगे? हाँ जी। हम अगर मुझे तो इतना पता है सर, मुझे तो इतना पता है सर कि मैंने एक 50,000 के कमीशन से अपना एक गेट प्रॉफिट किया था, कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। अगर मैं उसका ही आज देखती हूँ, मिंटिंग मेरी आई है जो आज के रेट से भी वो मेरा 12,000 रुपए बन रहा है सर। मैं 8-9 घंटे अगर कहीं बाहर काम करती हूँ सर, घर भी डिस्टर्ब रहता है, बच्चे भी डिस्टर्ब रहते हैं, पूरा टाइम मैं दे नहीं पाती, तो यहाँ से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है काम करके। तो 12,000 की जॉब में तो सर 8-9 घंटे लेते हैं प्रॉपर, और राइट, कितना टाइम मिलता है प्राइवेट जॉब में ये आपको पता ही है सर। राइट राइट। तो आपने कैलकुलेशन देखा कि मैं अगर 8-10 घंटे के जॉब करते हो तो मुझे कितनी सैलरी मिलने वाली है, और मैंने एक इतना सा इन्वेस्टमेंट किया, उसके बदले में अगर करंट सिनेरियो भी देख रहे हो तो आप एक 10-12 हज़ार रुपए की वैल्यू आपको एप्रिशिएट हो रही है। हाँ जी। तो मेन चीज यही है कि हम सबको क्या करना है कि अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे एक्टिव पार्टनर है
तो हमें इकोसिस्टम को समझना है कि कंपनी जो डेवलपमेंट्स कर रही है, अगर पिछले 6 साल से कंपनी लगातार आगे बढ़ रही है, राइट, कंपनी नए प्रोडक्ट्स को ऐड कर रही है, तो कंपनी तो आगे बढ़ रही है, लेकिन हमें भी आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ेगा और अपना जो कमीशन है उसको जनरेट करना पड़ेगा, जिससे हमारा एक इनकम बना रहेगा, जिससे हम अपनी एक अच्छी लाइफ जी सकते। लोग किसके ऊपर डिपेंड है? लोग सिर्फ मिंटिंग के ऊपर डिपेंड है। हर किसी को क्या लगता है कि मैं तो एक जॉब करता हूँ, उसके साथ साथ मैंने खरीदा, इसका जो इनकम आएगा इससे मेरा जो घर का खर्चा है उसमें मुझे मदद मिलेगी, वो मदद मिलेगी, लेकिन ये पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि आप पूरे साल भर में इसको आप कंपेयर करेंगे कि साल भर के अंदर आपने कितना पैसा कमा लिया, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उससे अच्छा आपको रिटर्न्स मिला होगा, क्योंकि मार्केट में आप किसी भी बाकी प्रोडक्ट के साथ आप कंपेयर करेंगे, इंश्योरेंस के साथ, म्यूचुअल फंड के साथ, एफडी के साथ, तो उससे ज्यादा यहाँ पे आपको रिटर्न मिलेंगे एवरेज साल भर के। तो फिर ये अच्छा है क्या? वो अच्छे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आज 1 महीना 2 महीने 3 महीने में दिख रहे, राइट, तो आपको पूरे साल भर के बाद डिसीजन लेना है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो सही जगह पे था या गलत जगह पे था। 2-3 महीने के अंदर आप उसको कंपेयर करके नहीं देख सकते, पूरे साल भर के बाद ही आपको उसका पता चलेगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट के मार्केट के अंदर सोर्सेस है उसमें से सबसे सोर्स कौन सा अच्छा है, तो यही अच्छा लगेगा आपको। इसलिए आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो लोगों को बिल्कुल आप ये बताइए कि आपने जो मिंटिंग किया है। हाँ जी, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो सर मेरी माँ है। मेरी माँ 82 ईयर्स ओल्ड है और मैंने मतलब एक 30,000 की आईडी उनके बोलने पर कि सब कमा रहे हैं तो मैं क्यों ना कमाऊं, एक आईडी मैंने उनकी भी लगाई थी सर। तो आज वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं क्योंकि वो कभी ब्याज पे पैसे जैसे आस पड़ोस में देती रहती थी, तो आज वो बोलती है अगर हम ब्याज पे पैसे देते हैं वो बंदे भी हमें टाइम पे पैसे नहीं देते, कोई बात नहीं, अगर आज उसका पैकेज डाउन है कोई बात नहीं बेटा, 6 महीने बाद तो ऊपर आएगा। एक 82 ईयर्स लेडी जो बिल्कुल अनपढ़ है वो इस चीज को समझ रही है। मुझे मतलब उनकी सोच पे ज्यादा, जो दूसरे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि प्राइस डाउन आ चुका है, ऊपर नहीं आएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये पीएलसी की तरह जाएगा, तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि वो लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इस चीज को समझ नहीं रहे। सर देखो, पढ़ा लिखा होना कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अगर एक आज का बच्चा 21 साल का तो उसके पास कंप्लीट डिग्री है, राइट, लेकिन 21 साल की उम्र में आपको डिग्री मिली इसका मतलब ये नहीं कि आप महान बन गए। आपको किताबी ज्ञान तो मिल गया लेकिन मैच्योरिटी नहीं है। आपको मैच्योरिटी किसके पास मिलेगी? 40-50-70-80 साल के एज के लोगों के पास मिलेगी। तो सिर्फ डिग्री होने से कुछ नहीं होता है, डिग्री के साथ साथ आपके पास मैच्योरिटी लेवल भी होना बहुत जरूरी होता है। अब 80 साल के अगर एज में कोई आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं है, लेकिन उनके पास एजुकेशन से बड़ा एक चीज है मैच्योरिटी लेवल। हाँ जी, वो समझ सकते हैं। लेकिन एक 21-22 साल का जो एक नया लड़का है या लड़की है जिन्होंने अभी अभी एजुकेशन पूरा किया, उनके पास वो मैच्योरिटी लेवल नहीं है, उनको पता नहीं है, उन्होंने वो प्लस माइनस के दिन के देखे, उतार चढ़ाव नहीं देखे उनके जिंदगी के अंदर, तो उनके अंदर एक एक्साइटमेंट होती है। तो आज जो मार्केट का सीनारी है, जो लोग, जिन लोगों के पास पेशेंस नहीं होते, उन्होंने अपने लाइफ को देखा नहीं, उन्होंने उतार चढ़ाव को नहीं देखा। जब आप प्रैक्टिकल इन चीजों को देखेंगे तो आपके पास एक मैच्योरिटी लेवल होगा और वही मैच्योरिटी लेवल आपको पेशेंस रखने के लिए सिखाता है। यानी आज अगर आपने एक 50-60-70-80 हजार के रेट पे कॉइन को खरीदा है और मार्केट क्रैश होने की वजह से कॉइन का रेट नीचे आ गया, तो ये जो झटका आपको लगा है शायद हो सकता है जिंदगी में पहला लगा। हाँ, तो इसने आपको सिखा दिया कि कॉइन का रेट एक दिन 60-70-80 हजार का रेट था, आज वही रेट 10,000 तक पहुंच गया, 8,000 तक पहुंच गया। ये दोबारा जब 30-40-50-60 हजार जाएगा तो उनके पास दोनों एक्सपीरियंस होंगे, रेट नीचे जाता है और उसके बाद ऊपर भी जा सकता है। तो फिर वो जिंदगी में लोगों को बताएंगे, ऐसा कई बार हुआ है हमारे साथ में और आगे भी अगर ऐसा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पेशेंस रख सकते हैं। यानी जब तक हमारे साथ कोई एक्सीडेंट नहीं होता तब तक हम सावध नहीं होते, जब एक्सीडेंट होता है उसके बाद हमें लगता है कि नहीं ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए थी, और फिर दोबारा हम उस गलती से हमेशा बचते हैं। हाँ जी सर। तो जितने भी लोगों ने आपके साथ प्रोडक्ट को बाय किया उनको इतना ही बोलो कि आप अगर इस चीज को सीख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो आपने एक ही काम करना है कि पूरे साल भर आपने पेशेंस रखना है और साल भर के बाद आपने कंपेयर करके रखना है कि देखना है कि आपका जो पैसा है वो आपका पैसा आपको पूरे साल भर के बाद कितना रिटर्न दे चुका है। हाँ जी। तो अभी आप 2-3 महीने के अंदर ही आप इसका कंक्लूजन नहीं कर सकते। अगर मान लो कि आज
60,000 यूएसडीटी पे जो बिटकॉइन था वही बिटकॉइन आज आपको 18-19,000 यूएसडीटी पे मिल रहा है। तो उसके बीच में जिसने 30,000, 40,000, 50,000 पे खरीदा था, तो आज वो क्या सोच रहा है? उसमें भी दो टाइप के लोग थे, कुछ लोग कंप्लेन की नए हैं जिन्होंने उसको खरीदा था, उनको ऐसा लगता है कि गलत जगह पे हमने इन्वेस्टमेंट किया, और कुछ लोगों के पास नॉलेज है, उनको ये पता है कि दोबारा ये 50,000-60,000 पे जा सकता है, बस तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, उसको होल्ड करना पड़ेगा जी। तो ये टोटली हमारे सोच के ऊपर निर्भर करता है। हम अगर पेशेंस रखेंगे तो हम इसमें मुनाफा कमा सकते हैं, पेशेंस नहीं रखेंगे तो हमारा नुकसान हो सकता है, और एक बार हमारा नुकसान होगा तो जिंदगी भर लोगों को हम वही बोलेंगे इन चक्रों में मत पड़ना। और उसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं कि हमारा नुकसान हुआ है, वो हमारी गलती से हुआ है, हमने पेशेंस नहीं रखे। तो अगर हम यहाँ पे पेशेंस रखते तो हमारा कभी नुकसान नहीं होगा, पेशेंस रखेंगे तो फायदा ही होगा। और मार्केट आप एक साल बाद आप कंपेयर करके देख सकते हो कि आपने यहाँ पे जो भी निवेश किया था क्या वो सही था या गलत था, तो 2-3 महीने के कंपेरिजन के अंदर आप उसको मार्केट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो इतना ही लोगों को बोलना है आपको, आज जो जिस रेट पे आपको काम मिल रहा है, जिस रेट पे आपको कॉइन मिल रहा है, आप मान लो कि अगले 2 महीने के बाद फार्म क्लोज कर रहे हैं, राइट? फार्म क्लोज किसके लिए हो रहा है? जो नए लोग आएंगे उनको फार्म नहीं मिलेगा, लेकिन जिनके पास फार्म था उनका फार्म क्लोज नहीं हो रहा है ना। किसी ने आपको बोला ये तो कंपनी गलत कर रही है, कंपनी ने बोला था 3 साल चलेगा, लेकिन जिन्होंने खरीद उनका तो फार्म कंपनी को क्लोज कर दे, कंपनी ने बोला कि आपने 4 महीना पहले खरीदा, 5 महीना पहले खरीदा, तो आप इसको क्लोज कर रहे हैं। आपने जो 5 महीना पहले 4 महीना पहले खरीदा या खरीद के रखा है, उसमें स्टेकिंग नहीं किया और आज आप स्टेकिंग करते हो, तो आपका जो मिंटिंग है वो आज से 12 महीने आने वाला है जी। आगे सितंबर के बाद नया कस्टमर उस फार्म को नहीं खरीद सकता, लेकिन सितंबर के पहले जिसने खरीदा उसको तो 12 महीने उसका मिंटिंग जाने वाला है ना, उसमें उनका नुकसान। तो प्रोडक्ट को प्रॉपर नहीं समझने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं समझने की वजह से लोग कंफ्यूज होते हैं, राइट? अब जो सितंबर में नया प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट पुराने लोग भी खरीद सकते हैं, नए लोग भी खरीद सकते हैं। तो पुराने लोग जिन्होंने अल्टीमा का फार्म खरीदी किया, उनका फार्म तो अगले 12 महीने काम करने वाला है, राइट? और अगले 12 महीने के अंदर अल्टीमा का जो भी रेट होगा उसको मुनाफा मिलने वाला है। यानी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी लोगों ने आज अल्टीमा के फार्म को खरीदा है, वो 12 महीने के बाद 90% लोग पछतावा करते हैं, क्योंकि 12 महीने के बाद जब देखेंगे कि मैंने जो अल्टीमा खरीदा था, जो स्टेकिंग किया था, पूरे साल भर में जितना अल्टीमा मुझे आया था, अगर पास इस अल्टीमा को मैं 12 महीने बाद इस रेट में बेच देता तो शायद आज मेरे पास कितना पैसा होता, या उसके बावजूद भी पूरे साल भर के अंदर वो ये देख लेते कि मैंने अल्टीमा में इतना पैसा लगाया था, पूरे साल भर में मुझे इतना कॉइन मिला, और पूरे साल में मैंने जो भी अलग अलग रेट से बेचा, अगर पेन और पेपर लेके कैलकुलेशन करेंगे तो 12 महीने के बाद उनको ये समझ में आएगा कि मैंने बैंक के अकाउंट से भी ज्यादा पैसा कमा लिया, मैंने म्यूचुअल फंड के ग्रोथ से भी ज्यादा पैसा कमा लिया। हाँ जी, मेरे पड़ोस में ही है सर, 2 ID मैंने सामने पड़ोस में ही लगा रखी है सर, वो डेली मतलब खोल के देखते रहते हैं, अब प्राइस इतना आ गया, इतने कम हो गए, डॉलर इतना ये हो गया, डेली मुझे बोलते हैं आप तो पागल हो चुके हो, हमारा भी डूबो के चलोगे। मैं नहीं, नहीं, आप है ना स्टेप पे पेशेंस रखो, इससे आपको 3-4 गुना पैसा मिलेगा। तो डेली वो बोलते रहते हैं आप तो खुद पागल हो चुके हो, हमें भी करके छोड़ोगे। देखो क्या होता है, पता लग रहा है जैसे वैलेट खोल के प्राइस के हिसाब से ये अप डाउन हो रहा है, धीरे धीरे वो भी इस चीज पे बिलीव करने लगे हैं कि हाँ ये प्राइस के हिसाब से ही हो रहा है, अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो हमारा इतना आएगा। मैं डेली उनको बोलती हूँ कि आप अपना वैलेट डेली खोल के देखा करो कि आज कितने डॉलर हैं इसमें, और जब प्राइस बढ़ता है तो तब कितने होते हैं, अगर आपने इसी के अकॉर्डिंग आपने इसको जज करना है तो पैसा लेना, तो मैं 1 सेकंड के अंदर विड्रॉल करके दे सकती हूँ आपको। तो समझ रहे हैं धीरे धीरे सर, बिल्कुल समझेंगे, जैसे जैसे उनको मार्केट समझ में आएगा वैसे वैसे उनका ऑलरेडी उनका नॉलेज बढ़ेगा, उनको लगेगा कि नहीं ठीक है हमें थोड़ा सा पीछे। अब नॉर्मली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कभी कभी देखते हैं कि एक पाइपलाइन होती है जहां से शेयर में पानी हमारे घर तक आता है, राइट? तो वो पाइपलाइन के अंदर जैसे डैम होता है, वो डैम शेयर से कुछ किलोमीटर बाहर होता है। अब उसमें जो पानी आता है वो पानी के अंदर जो स्टोरेज जगह पे जो टैंक टंकी होती है वहां पे पानी का जो फोर्स होता है वो कभी कभी कम हो जाता है।
तो इंजीनियर्स होते हैं वो ये चेक करते हैं कि पानी का फोर्स पंप क्यों आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बीच में लीकेजेस होते हैं। अब उनको पता है कि ये लीकेजेस को हम हटाएंगे तो पानी का फोर्स बढ़ेगा, अगर ये लीकेजेस को हम नहीं हटाएंगे तो पानी का फोर्स ऐसा ही रहेगा, या हो सकता है लीकेज और बढ़ेगा पानी का फोर्स कम हो जाएगा। सोल्यूशन क्या होता है उनके पास, कुछ समय के लिए उनकी मजबूरी होती है पानी के फोर्स को कम करने की, यानी डिस्प्ले की बंद करने की, और बंद करके जो लीकेजेस है उस लीकेजेस को सॉल्व कर, राइट। तो बीच बीच में जब भी हम ये चीज देखते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ मेंटेनेंस का काम आता है, कोई टेक्निकल चैलेंजेस आते हैं, तो कंपनी उसको परमानेंट सॉल्यूशन आने के लिए कुछ समय के लिए उसको स्टॉप कर देती है। तो कभी हमारा वॉलेट एक्सचेंज के साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो कभी एक्सचेंज के ऊपर पॉइंट को विड्रॉ करना या ट्रांसफर करना है डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो बीच दरमियान लोग पैनिक हो जाते हैं। अब इस वक्त पैनिक कौन लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं होता क्या चल रहा है। तो हम जब कंपनी के साथ हमेशा कनेक्ट होते हैं, टेलीग्राम के जो ग्रुप के ऊपर कंपनी की तरफ से डेली मैसेजेस आते हैं, उसको हम रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो हमें ये सब पता चलता है कि कंपनी में अभी क्या चल रहा है, कंपनी क्या कर रही है, लेकिन हम किसी भी चीज को फॉलो नहीं कर रहे। तो उस वक्त हमारे मन में एक ही कंफ्यूजन रहता है, या तो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रहती है, कुछ ना कुछ काम चलते रहता है, जब देखो तो कुछ ना कुछ काम चल रहा है, हमारी सोच होती है तो हमें बार बार रिपीट करती है। लेकिन आप जब इस ग्रुप का हिस्सा है, टेलीग्राम का हिस्सा है, तो आपको हमेशा अपडेट्स मिलते रहेंगे, और जब आप अपडेट्स मिलेंगे तो आपके मन में कोई डर नहीं रहेगा। तो रिसेंटली कंपनी ने एक प्लान किया हुआ है कि हम सारे एक्शन को डिस्कनेक्ट कुछ समय के लिए, और जो भी चैलेंजेस आए पिछले महीने के अंदर, यानी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ गया है कि बैकग्राउंड में थोड़ा सा डिस्टर्ब है, नहीं ओके। तो अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि मोस्टली इंडिया के अंदर लगभग अल्टीमा के अंदर हमने 1,30,000 अकाउंट्स बनाए जब अल्टीमा लॉन्च हुआ तब से लेकर अभी तक, और हमारे अलावा इंडिया में ऐसे कई सारे ग्रुप काम कर रहे, तो वहां पे भी लगभग उन्होंने भी 1,00,000 अकाउंट क्रिएट किए होंगे, यानी इंडिया के अंदर 2,00,000 से ज्यादा लोगों के पास अल्टीमा के फॉर्म है, 14-15 लाख कम्युनिटी में 2,00,000 लोगों के पास अल्टीमा के फॉर्म इंडिया में। अब ये 2,00,000 लोगों में से 2-3% लोग ऐसे हैं जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ भी पता नहीं, टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी पता नहीं, ईमेल क्या होता है कुछ पता नहीं, वॉलेट क्या होता है कुछ पता नहीं, क्रिप्टो क्या होता है कुछ पता नहीं, एक्सचेंज क्या होता है कुछ पता नहीं है। और ऐसे लोगों के अपने छोटे छोटे गलती की वजह से उन्होंने क्या किया है, जो टेलीग्राम का डिफेंडर बोट है वो प्ले स्टोर से सर्च करके जो हैकर का बोट है उसको डाउनलोड किया है, और जैसे वो हैकर की बोट जब आप डाउनलोड करते हैं तो वो सबसे पहले आपको बोलता है कि आप अपना KYC कंप्लीट करो, उसके लिए आप अपना जो वॉलेट का बार कोड है उसको यहाँ पे लोड करो, ट्रांसपोर्ट पिन दे दो, और ये जिन लोगों ने दिया हुआ है उनका वॉलेट आप उस हैकर के पास चला गया, और ऐसे सैकड़ों लोग हैं। अब हर महीने जब मिंटिंग आता है तो हैकर क्या करता है, आपके मोबाइल में भी वो वॉलेट है और हैकर के मोबाइल में भी आपका वॉलेट है, वो आपसे पहले वो मिंटिंग को विड्रॉ करके लेता है और वो सारे कॉइन अपने पास लेके जाता है। ऐसे हजारों लोग सैकड़ों लोगों के कॉइन उसके पास जा रहे हैं। अब ये हर महीने जाएंगे और वो हर महीने क्या करेगा, एक्सचेंज पे जाके उस कॉइन को बेच देगा कोई भी रेट पे। तो उससे क्या होगा, मार्केट गिरेगा, क्योंकि बल्क में बड़ी क्वांटिटी जब मार्केट में आएगी उसकी सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो उसका रेट नीचे चला जाएगा। अब ये पूरे साल भर ऐसा होने वाला है, हर महीने 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में जो सबसे बड़ी मिंटिंग आएगी वो पूरी की पूरी हैकर क्या करेगा, उठा के उसको एक्सचेंज पे लेके जाएगा, बेच देगा, कोई भी रेट में बेचेगा और बाहर निकलेगा, क्योंकि उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसको फ्री में पैसे मिल रहे हैं, और ये हमारी छोटी छोटी गलती की वजह से हुआ है। अब कंपनी ने जब इसको स्टडी किया, जो ये प्रॉब्लम को देखा, तो कंपनी ने सोचा कि इसको हम परमानेंट सोल्यूशन में कैसे लेके आ सकते, तो इसके लिए एक सोल्यूशन है, हमें क्या करना पड़ेगा, हैकर ने जितने भी अकाउंट्स को हैक किया है उनको उनके वॉलेट के साथ से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, और वहां पे एक दूसरा वॉलेट का लिंक देके वो सारे हैकर के पास जो कॉइन जा रहे हैं उस कॉइन को उस वॉलेट में ट्रांसफर करके तो उसको बर्निंग में डाला जाएगा, ताकि वो कॉइन मार्केट में ना जाए एक्सचेंज पे और वो बेच ना पाए, और जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है जिनके साथ ये हुआ है उनको एक सोल्यूशन दिया जाएगा कि वो दोबारा अपना KYC करके अपना वॉलेट बना के
उस फार्म के साथ कनेक्ट करेंगे तो बाकी के जो नौ में अगले जो 10-11 महीने के कॉइन है वो हैकर के पास नहीं जाएंगे, वो कस्टमर के पास वापस आएंगे और जिसने अपना मेहनत का पैसा लगाया उसको उसका फायदा मिलेगा। लेकिन आज जिनका भी वॉलेट हैक हो गया वो अगले 12 महीने अपना पैसा किसी और को ऑलरेडी दान कर चुके, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन कंपनी उसके ऊपर सोल्यूशन बनाने की कोशिश कर रही है ताकि आपका भी नुकसान ना हो। और मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज आ गया उस चैलेंज को हम कैसे रोक सकते, तो इसके बीच में जो समय लगने वाला है एक हफ्ता दो हफ्ता जो भी लग सकता है उतने समय के लिए हमारा एक्सचेंज के साथ डिस्कनेक्टिविटी हो चुका है, वॉलेट के साथ डिस्कनेक्टिविटी हो चुका है एक्सचेंज का। तो जहां पे हम कॉइन को ट्रांसफर नहीं कर सकते या वहां से कॉइन को विड्रॉ नहीं कर सकते। अब ये कहां पे हो रहा है, जो एक्सचेंज हमारे हाथ में नहीं है, जो एक्सचेंज हमारे हाथ में है हमारे साथ पार्टनर है उस एक्सचेंज के ऊपर हमने सर्विस को एक्टिव रखा है, क्योंकि कुछ परसेंट आपको आपका लिक्विडिटी करने के लिए एक ऑप्शन दिया गया है। लेकिन जो बाकी प्राइवेट एक्सचेंज है जिनके साथ सिर्फ हमारा बिजनेस का डील है कि आपके एक्सचेंज पे आके हमारे लोग क्रिप्टो को बाय सेल करेंगे, तो उनको डिस्कनेक्ट करके रखा हुआ है और वहां पे जब तक हम 100% सेफ्टी नहीं कंप्लीट कर सकते तब तक उनको हम फिर दोबारा स्टार्ट नहीं करेंगे। तो तब तक हमें क्या करना है, पेशेंस रखने, क्योंकि आपका जो कॉइन मिंट होके आ रहा है वो आपके वॉलेट में आ रहा है और आपका कॉइन आपके पास ही रखते हो, इसलिए वो कॉइन किसी और के पास नहीं तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर लिक्विडिटी चाहिए तो आप बाय बॉक्स पे अपना कॉइंसबिट पे जाके आप अपने कॉइन को लिक्विडिटी कर सकते हैं। बाकी सारे एक्सचेंज जब तक दोबारा रिएक्टिव नहीं होते तब तक आप उसको वहां पे जाके कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते, ना बाय कर सकते ना सेल कर सकते। तो ये पेशेंस आपको रखना बहुत जरूरी है। कंपनी हमेशा जब भी कोई नया डेवलपमेंट लेके आती है तो उसका नॉलेज हमारे पास होना चाहिए और उसका नॉलेज अगर हमें मिलता है कंपनी की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है उसके ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, उसके ऊपर डाउट नहीं लेना चाहिए हमें, क्योंकि कंपनी जो भी करेगी वो कंपनी के ग्राहक के हित में अच्छा करेगी। कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती है कि मैं अपने ग्राहक को गाली दूं या उसके बारे में गलत करूं, क्योंकि वो ग्राहक ही कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा कंपनी ग्राहक के हित में काम करती है, तो ग्राहक को भी उस वक्त ये सोचना है कि अगर कुछ कंपनी अच्छा कर रही है तो हमारे लिए अच्छा कर रही है, तो हमें पेशेंस रखने चाहिए। तो लोग उस वक्त पैनिक हो जाते हैं और पैनिक होके अनाप शनाप बातें करने शुरू कर देते, ग्रुप के अंदर अनाप शनाप मैसेज डालने शुरू कर देते, उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, उससे सिर्फ आपका नुकसान होने वाला है। आपका नुकसान कहां से होने वाला है, आपका जो फेस वैल्यू है वो खराब होने वाला है। जो भी लोग इस प्लेटफॉर्म पे फेथ करते हैं वो लोग आपका एक नेगेटिव मैसेज देखते हैं, उनको आपका नाम पता चलता है, आपकी शक्ल वहां दिखती है जब आपने अपने डीपी के ऊपर अगर कोई फोटो लगाया हुआ है, तो उनको ये लगता है कि ये गलत इंसान है। यानी आपने एक नेगेटिव कमेंट करके आपने आपको एक गलत इंसान प्रूव कर दिया है। आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, लेकिन पॉजिटिव सोचने वाली कम्युनिटी हमेशा बड़ी होती है और नेगेटिव सोचने वाली कम्युनिटी छोटी होती है। तो जो बड़ी कम्युनिटी होती है वो नेगेटिव सोच के लोगों को गलत साबित करने के लिए उनको कुछ नहीं करना होता है, उनको पता है कि ये इंसान गलत है, इसकी सोच नेगेटिव है, तो आप उनके नजर में आप खत्म हो जाते हो। तो आपको लोगों के नजर में अच्छा बनना या बुरा बनना वो आपको तय करना है। आपके मन में कोई भी नेगेटिविटी है आप अपने अपलाइन को कॉल करो, अपलाइन के अपलाइन को कॉल करो, उनके साथ 2 मिनट फोन पे बात करो, उनसे काउंसलिंग करवा लो कि मेरे मन में ये नेगेटिविटी आ रही है, मेरी ये सोच आ रही है, आप इसके ऊपर मुझे क्या सजेशन देंगे। तो हो सकता है 2 मिनट उनसे बात करने के बाद आपकी काउंसलिंग हो जाएगी तो आपको लगेगा नहीं मैं गलत सोच रहा था, आप जो सोच रहे हो आप जो बोल रहे हो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और थोड़े से पेशेंस रखेंगे कुछ महीने कुछ दिन, उसके बाद आपको भी खुद को लगेगा कि नहीं मेरी गलत सोच थी। अगर हमारे शरीर में कोई जख्म होती है तो हम अपने आप को क्या दोष देते कि मेरा शरीर खराब है, नहीं, हम उसके ऊपर मेडिसिन का यूज करते, मेडिसिन यूज करने के बाद थोड़ा पेशेंस रखते उसको कम होने तक या खत्म होने तक, और फिर उसके बाद हमारा जो जख्म है वो खत्म हो जाता है। तो हमारी सोच अगर निगेटिव है तो हम निगेटिव सोचना शुरू करेंगे, लेकिन हमारी सोच अगर पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे। तो ये निर्भर करता है हमारे खुद के ऊपर, किसी और के ऊपर नहीं। थैंक यू सर। नौ बज चुके हैं, हमारे बीच में जो भी लीडर्स हैं टेक्निकल सेशन का प्लान करते हैं। संजू थॉमस सर आज आए क्या हमारे बीच में? आकाश राव जी आपने ज्वाइन किया जूम?
मोस्टली लीडर्स कल गोवा से वापस गए तो समय लगेगा सबको घर पे पहुंचने के लिए, रात को लेट नाइट भी फ्लाइट गई होंगी। अर्जुन जी अर्जुन गिरधर जी जी सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आप पहुंच गए? यस सर हम तो रात 8 बजे आ गए थे सर हमारा। ओके ग्रेट, तो अभी आप ऑफिस में बैठे हैं, घर पे कहीं ट्रैवलिंग में हैं? ऑफिस में सर, ऑफिस में। अच्छा, आपकी शक्ल नहीं दिख रही है। शक्ल नहीं दिख रही सर, सर वीडियो ऑन नहीं किया शायद। वीडियो ऑन है सर, पेज ऑन है। हाँ जी सर, आपकी दिख रही है सर, वीडियो ऑन है लेकिन ब्लैंक है। हाँ हाँ, आप आ गए, आप आ गए सर। मैं ये सोचता हूँ जैसे हमारी रात मीटिंग हुई थी खत्म, तो सुबह जल्दी क्या करना, जो कुरुक्षेत्र की टीम थी उनकी शाम की फ्लाइट थी, मैंने फटाफट मॉर्निंग में करवा रखी थी। मेरे को पता है कि मैंने शाम को पहुंचना है और एक कॉल अटेंड करनी है, तो टाइम वेस्टेज की बिल्कुल आदत नहीं है कि वहां पे रह के क्या करना है। वैसे भी बारिश हो रही थी, आपको पता है कहीं जा भी नहीं सकते थे, तो गोवा वहीं पे खड़ा है। हमने तो बिजनेस के लिए थोड़ा अपडेशन के लिए आए थे। मैं सर इनको थोड़ा ना समराइज कर देता हूँ कि हम लोग जब गोवा में गए तो वहां पर हमारे को क्या सीखने को मिला, और डॉक्टर उज्जवल सर की जो मोटिवेशनल बिजनेस। देखो अभी क्या करना है आपको, अभी आज के प्रोफेसर आप है। ओके सर, मेरी है फ्लाइट। ओके सर, और मुझे फटाफट रेडी होके एयरपोर्ट पहुंचना है। ओके सर, तो मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, आज के होस्ट आप रहेंगे। ओके, सेशन को आप कंटिन्यू करेंगे 10-15-20 मिनट और उसके बाद इसको आप क्लोज करेंगे। ओके सर, ठीक है। तो गोवा का जो इवेंट हुआ उसमें हमें क्या सीखने को मिला, राइट, एजुकेशनल प्रोग्राम्स हमें क्यों अटेंड करने चाहिए, यस सर, ये सारा जो आपका एक्सपीरियंस उसको आप शेयर करो। बाकी जो डायमंड लीडर्स है जो गोवा के इवेंट्स में थे उनके भी व्यूज ले लो थोड़े 15-20-25। कोई सर डायमंड मेरे साथ सहभागी बन सकता है ताकि वो कनेक्टेड रहे अपनी वीडियो ऑन करके? तो जितने भी डायमंड्स है जो एक जगह पे कंफर्टेबल बैठे अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, जो गोवा के इवेंट्स में थे। जयदीप सिंह जी है, तिलक सिंह जी है आपके साथ को होस्ट में, और बाकी डायमंड्स आएंगे उनको भी आप ऐड कर सकते हो क्योंकि आप होस्ट रहेंगे। ओके सर, आप स्टार्ट कीजिए कि गोवा का जो हमारा मीटिंग हुआ। गुड मॉर्निंग ऑल प्लैटिन पार्टनर, आप लोगों के लिए सबसे गुड न्यूज है बिजनेस स्ट्रेटजी के लिए और कैसे आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं, ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। साथ साथ हम लोग बहुत ही अच्छा कंसेप्ट सीखे हैं और सर ने इतनी ब्यूटीफुल जो अरेंजमेंट किया, इतने पैसे लगाकर भी नहीं कर सकते एक इंडिविजुअल, तो कंबाइंड में हमें सीखने को मिला। हर वक्त आपको सीखते रहना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि वहां पर क्या जो डॉक्टर उज्जवल सर है उन्होंने क्या स्ट्रेटजी बताई कि हमारे पास जो कंपनी का प्रोडक्ट है बहुत ही उम्दा, जहां पर कम इन्वेस्टमेंट से आप लोग अपनी मार्केट अपना अर्निंग कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात हम राइट मार्केट में है। इंडिया की मार्केट को बाहर की कंपनियां लाइक करती हैं क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इंडिया में जो स्कोप है बहुत काफी अच्छा है। तो हम एक बहुत ही अच्छे देश में बैठे हैं, प्लस अच्छी मार्केट का सिनेरियो है हमारे पास और एक अच्छा प्रोडक्ट है। आपको क्या करना है कि जरूरत के लिए व्यापार करना है, ना कि इमोशन होकर। तो ये चीजें कुछ हमारे को छोटी छोटी चीजें उन्होंने बताई कि मेक इट अ फैमिली बिजनेस, और हमारे पास आप इसमें अगर अपनी जो भी बंदा मैरिड है, बच्चों बच्चे हैं उनके पढ़े लिखे, उनका साथ दे सकते हैं, तो आप उनको रेडी कीजिए। मेक इट फैमिली बिजनेस एक गुड अपॉर्चुनिटी है कि आपका बिजनेस इससे ग्रो करेगा। और हम अब डायरेक्ट सेलिंग में है, तो इसमें हमने देखा कि 18 से 24 जिनकी एज है वो सिर्फ परसेंटेज 8% लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लोग इस एज के जो स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग जो इम्प्लॉई हैं, उनको भी कनेक्ट करके अपना एक एरिया बढ़ा सकते हैं। और जो 25 से 34 की एज है उसमें 20% लोग जुड़े हुए हैं सिर्फ, तो हम लोग इन पे रिसर्च कर सकते हैं। आप इंश्योरेंस एजेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, एक अकाउंट्स के पर्सन को हायर करके इसमें उनसे डाटा ले सकते हो। तो आपकी मार्केट आपके हाथ में कैसे कनेक्ट करनी है, और आपके कॉन्टैक्ट ही आपको विस्तार आपका बिजनेस को बढ़ा सकते हैं।
तो मेक इट फैमिली बिजनेस 74% वुमेन आपका इस बिजनेस में साथ दे रही है, तो 26% मेन है, तो आप इस चीज में आप वुमेन को भी ला सकते हैं जो घर बैठ के इतना अच्छा काम करती हैं, तो हमारे से ज्यादा पावर उनके पास है, तो वुमेन इज द मोस्ट पावरफुल टूल इन योर बिजनेस। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि चेंज द वे यू इंट्रोड्यूस योर कंपनी। आपको किसी को ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये एक MLM है, ये MLM नहीं है, ये फिनांस टेक्नोलॉजी की कंपनी है। आपको इंट्रोडक्शन अपनी कंपनी की चेंज करनी है, आपको उस हिसाब से इंट्रोडक्शन देनी है, और टेक बेस्ड क्राउड फंडिंग होगी, टेक्नोलॉजी बेस्ड, तो आप इस चीज को ध्यान में रखें कि कंपनी का इंट्रोडक्शन देते हुए किसी को ये नहीं कहना सर हाँ 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 ये MLM है, इसमें पर्सन जोड़ने पड़ते हैं, ये फिनांस की और टेक्नोलॉजी की कंपनी है जो आगे जाके आपको क्राउड फंडिंग का ऑप्शन देगी। तो और अपनी इंट्रोडक्शन में चेंज करिए, यू आर एंटरप्रेन्योर और फिनटेक एंटरप्रेन्योर, इनोवेटर कह सकते हो, फाइनेंशियल प्लानर कह सकते हो, तो अपनी इंट्रोडक्शन को भी चेंज कीजिए, मैं एक MLM पर्सन नहीं हूं। तो चेंज योर स्ट्रेटजीज, चेंज योर थिंकिंग, आप अपनी चॉइस से इस बिजनेस में हो, ना कि किसी मजबूरी से इस बिजनेस में हो, इस चीज का ध्यान रखें। आई एम नॉट ए नेटवर्कर, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, तो इस चीज पे ये जो वर्डिंग्स है, आई एम नॉट ए नेटवर्कर, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, तो आने वाले समय में जब आपके पास ये वोकैबुलरी होगी, आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह कहलाएंगे, अपना प्रोफाइल पेज फेसबुक स्टेटस इस चीज को मेंटेन करेंगे, तो मैं यहाँ पर अपने आप पे गर्व करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, इस चीज पे आपको गर्व होना चाहिए। आई एम हेयर बाय चॉइस नॉट बाय कंपल्शन, आई एम हेल्पिंग अदर्स टू ग्रो इन लाइफ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको अपने आप की सोच को चेंज करना है, तो चेंज योर हैबिट्स और चेंज योर टॉपिक्स, टॉक अबाउट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी एंड टॉक अबाउट ग्रोथ ऑफ क्रिप्टो। क्रिप्टो की क्या ग्रोथ होगी फ्यूचर में, उसके ऊपर बात करनी है आपने जब भी आप प्रोस्पेक्ट अपना प्लान देने जाओ, तो टॉक अबाउट गवर्नमेंट आर यूजिंग इट, टॉक अबाउट टॉप ऑफ द कंपनी, जो बहुत बड़ी कंपनियां इसको यूज कर रही हैं, तो आपने इस चीज के ऊपर चर्चा करनी है प्लान आपको शो करते हुए। और सबसे बड़ी बात, आपने प्लान जब शो करना है, आपने आईपैड कंप्यूटर इस चीज का प्रयोग करना है, 20% आपने पेपर वर्किंग में प्लान समझाना है, और टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए आपने आपको स्लाइड्स दिखानी है, ताकि आपकी कॉल, क्योंकि हम एक टेक्नोलॉजी की कंपनी है, उसमें उनको जो पेपर में वर्किंग है कैलकुलेशन समझानी है कि ये प्लान है, ये इन्वेस्टमेंट रहेगी, ये आउटपुट रहेगी। तो आपको अपने तरीके चेंज करने हैं, प्रेजेंटेशन चेंज करनी है, और सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट होना है। आप व्हाट्सएप यूज करो, इंस्टाग्राम यूज करो, फेसबुक यूज करो, और साथ ही साथ अपनी अपडेशन के लिए आपको क्या करना है, ये जूम क्लासेस तो है ही, लेकिन आपको एक डेली मंथली में आपको एक बुक रीड करनी है, जैसे कि पावर थिंकिंग एक बुक है जो कि रिटन बाय डॉक्टर उज्जवल सर, तो आपको ऐसी ऐसी बुक्स रूटीन में पढ़नी है। एक उन्होंने वेबसाइट बनाई है businessjito.com पे आप सब्सक्राइब करें, वहां पे आपको क्रैश कोर्स मिलेंगे अपने आप को अपडेट करने, अपनी स्किल्स शार्प करने के लिए। वेबसाइट का नाम है businessjito.com, फ्री वेबिनार्स, फ्री कोर्सेज, लोएस्ट कॉस्ट, मैनी प्रिविलेजेस, तो आपको ये सब्सक्राइब करना है। एक हेल्पलाइन नंबर है उनका, तो आप कॉन्टेक्ट करके कोई भी अगर पर्सनल इंप्रूवमेंट चाहता है तो उनको कॉन्टेक्ट करके उनके कोर्स कर सकता है, जो कि शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं जिसमें आपकी स्किल्स इंप्रूवमेंट होगी। तो आप चेंज योर, अपना डेली शेड्यूल चेंज करना, एक डिसिप्लिन बनाना है, आप अपना 100% दे रहे हो कि नहीं, तो इस चीज के ऊपर। अब हम आगे आने वाले टाइम में हमारी कम्युनिटी क्या कर रही है, एक फ्रिक्वेंटली आस्क मैनुअल क्वेश्चन तैयार कर रही है, जिसमें लोगों के रूटीन के क्वेश्चन वही होते हैं जो आजकल हमारे से जूम पे पूछे जाते हैं। तो जो भी लीडर्स होगा वो एक दो दिन के अंदर हमें रेडीमेड PDF मिल जाएगी, जहां पे आपको हर क्वेश्चन का, जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, उसका जवाब मिलेगा। तो वो थॉमस सर तैयार कर रहे हैं, ये अपडेशन है। और साथ में आपको बता दूं कि अपने आप को अपग्रेड करो और सीखते चलो, मंथली प्लान करो, वीकली प्लान करो और डेली प्लान करो कि आज हमने क्या करना है। कोई भी लीडर है तो अपनी डाउन लैग में डेली कॉल करे कि उसकी क्या स्ट्रेटजी है, वो काम कैसे करेगा, क्या कॉल्स हैं। तो आप लोग इस चीज पे लीडर ध्यान दें, और जो भी नीचे के हैं जिनको जो हेल्प चाहिए उनको
एजुकेशन दें और सिखाएं, भरपूर सिखाएं। सामने वाला अगर आता है तो किसी भी तरीके से उसको सिखाएं, उनको टाइम दें। और डुप्लीकेशन का कंसेप्ट है, लीडर होने के नाते हमारी जिम्मेवारी है कि हर बंदे को हर चीज पता होनी चाहिए। अब हम मैं आपको अपडेशन दे देता हूँ, सर बताना भूल गए हैं शायद, वॉलेट के ऊपर जो काम चल रहा है, जो स्कैमर्स ने हमारा कॉइन उड़ाया है, तो एलेक्स सर एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन होगी कि वॉलेट के अंदर डिजिटल सिग्नेचर हो पाएगा। जैसे सपोज करो आपको पता चल गया कि मेरा वॉलेट सामने वाले के पास चला गया, तो एक मंथ की मिंटिंग तो आपको देनी पड़ेगी दान में। जब नेक्स्ट मंथ आएगा उससे पहले आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, आप अपना वॉलेट का एड्रेस चेंज कर पाओगे, साथ में आपके डिजिटल सिग्नेचर होंगे वहां पे। तो डिजिटल सिग्नेचर करने के साथ आपका वॉलेट फिर से सिक्योर हो जाएगा, ताकि आप फिर से वैसी गलती कर ना पाए। तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अल्टीमा जो एक्स भी आ रहा है मार्केट में, उसकी बाइंग भी अल्टीमा से होगी, और जो प्रो है प्रोग्रामिंग के लिए है उसकी बाइंग भी अल्टीमा से होगी। तो बेसिकली डिमांड किसकी बढ़ेगी? अल्टीमा की। जो बेच देगा वो मिट्टी के भाव बेच जाएगा, जो रखेगा और वो कमा जाएगा। तो इस चीज पे आपने ध्यान देना है कि अल्टीमा को जरूरत है, जितनी इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट है उतना ही सेल करें, अदरवाइज री इन्वेस्ट करें। तो बिटकॉइन को मैंने अपनी आंखों से 23 लाख से 50 लाख, 50 लाख से 20 लाख दो तीन बार तो मैं देख चुका हूँ विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड। और ये पिछले 3-4-5 महीनों की पहले की बात है, जिसमें से मैंने 3 बार ये अप एंड डाउन देखा है। तो हम इस चीज से पैनिक नहीं होते, तो आप भी पैनिक मत हो, अपना लॉस कर बैठोगे अगर कोई इमरजेंसी है तो, तब बेचिए अपना इसको। उसके बाद बुक ऑफ द मंथ है इनकी पावर थिंकिंग, जो डॉक्टर उज्जवल सर की है, वो आपको रीड करनी चाहिए। ये अमेजोन पे अवेलेबल हो जाएगी। और साथ ही साथ सर ने बताया कि आप अवेयरनेस प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा, अब हम एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि जो देहरादून मीटिंग होगी डायमंड्स के लिए होगी, तो उसमें स्टेज पे बोलना कैसे, ये इम्प्रूवमेंट साथ साथ करो। आप हर मीटिंग में इन्वॉल्व हो, सुबह शाम जूम की क्लासेस चल रही हैं, आज 6 बजे शायद डॉक्टर बिंद्रा की जो टीम है के उनकी भी क्लास है। हर मीटिंग में पार्टिसिपेट करो, बिजनेस को टाइम दो, और आपको इसमें एक टाइम स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, कितना टाइम मैंने फील्ड में देना है, कितना टाइम मैंने अपडेशन में देना है, सिर्फ आधा घंटा या एक घंटा अपनी स्किल्स के लिए देना है आपने, और फील्ड की डेवलपमेंट के लिए फील्ड आर्स ऑन फील्ड। तो आपको ये चीज मैनेजमेंट करने की आएगी, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि कहाँ पे कितना टाइम देना है। तो ये स्ट्रेटजियां और मेक इट फैमिली बिजनेस इज द ब्यूटीफुल पॉइंट फॉर ग्रोथ, आपको इसी पॉइंट पे फोकस करना है, तो आपका बिजनेस 200% ग्रो करेगा। जब आपके साथ असिस्ट होने लगेगा ना, तो वो टाइम आप कहीं और यूटिलाइज कर पाओगे। तो ये चीजें हैं। बाकी कोई आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम, जैसे तिलक जी बैठे हैं मेरे साथ, ये भी वहां पर थे, तो हमने डायमंड के व्यूज भी सुने। तो आपका हर एक क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो ले लेते हैं, 5-10 मिनट है हमारे पास, फिर उसके बाद हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे अपनी इस दिन की। तो तिलक जी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, तो आज तो मैं जितनी बता सका अपडेशन, सर आप अपना शेयर बताइए, गोवा में आपको इवेंट में कैसा लगा और क्या आपने स्ट्रेटजी आज से फॉलो करनी शुरू की अपनी टीम के लिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर आ रही है, बोलिए। चलिए सर, जूम पे आपने हमको बोलने का मौका दिया, इसके लिए पूरे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम तिलक सिंह है और मैं फरुखाबाद से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ, और गिरिधर सर ने बहुत अच्छी जानकारी दिया है आपको, जो उज्ज्वल पाटनी जी ने लिया था, हकीकत में बहुत बड़ा स्कोप है और बहुत अच्छी जानकारी दे दी सर ने। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ, हम ऐसे सक्सेस के साथ आज काम कर रहे हैं, जो यस आगे सर, दोस्तों हकीकत बता रहा हूँ, वो अपने ऊपर दोस्तों 15 लाख रुपए पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आज डेट में अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट जो कर लेगा दोस्तों, आने वाले समय में देख लो बहुत बड़ी इनकम कमा सकता है। क्योंकि जो ये इंसान अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करके इतना ज्ञान लेके दोस्तों हमको सुबह सुबह टाइम निकाल के हमको ज्ञान देते हैं, दोस्तों हम इतना पैसा खर्च करके हर आदमी नहीं कर सकता है, मगर उस ज्ञान का 15 लाख रुपए जो अपने ऊपर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस ज्ञान को हम लेके दोस्तों फील्ड में उतार सकते हैं। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे सक्सेस के साथ हम लोग हैं, सेफ हाथों में, और एलेक्स सर की सोच बहुत जबरदस्त है दोस्तों। मार्केट में अप एंड डाउन आएंगे दोस्तों, ऐसा कोई सा धंधा नहीं है जिसमें अप एंड डाउन नहीं आएंगे दोस्तों। और इसमें उज्ज्वल पाटनी जी ने एक और अच्छी बात बोली थी, इसमें लोग रिजेक्शन से डर जाते हैं दोस्तों, हर फील्ड से कम इसमें रिजेक्शन मिलता है,
जो गिरधर सर जी को भी पता होगा और हम बताया था उज्जवल बोला हम अगर बाइक लेने 78% जाते हैं वहां पर बाइक के लिए तो उसमें एक आदमी ही बाइक परचेज करता है, यानी 77 का नो हमको सुनना पड़ता है, रिजेक्शन सुनना पड़ता है, वो हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदता है। मगर दोस्तों हमारा इतना बढ़िया फील्ड है ये, इसमें फिनटेक का जो हम जाते हैं लोगों के घर घर जाते हैं या फोन से बताते हैं, अगर हम 10 लोगों से भी बात करते हैं दोस्तों 5 बेशक हमारी बात नहीं सुनते हैं, जिसमें 2 तो कंपलसरी है हमारे साथ डिसीजन ले लेते हैं दोस्तों। मैं तो बताता हूँ अगर मैं 10 लोगों से बात करता हूँ 10 लोगों से मिलता हूँ दोस्तों हमारे साथ 5 लेते हैं। मैं अननोन आदमी की बात करता हूँ अगर वो भी 10 लोगों से मिलेगा तो 1 तो आ ही जाएगा साहब, तो रिजेक्शन आप देख सकते हो कितना कम है, वो रिजेक्शन हमको नहीं करता। कुछ लोग ये फील कर लेते हैं कि उसने हमको रिजेक्शन कर दिया, ये मेरा मामा था, ये भांजा था, मेरा ताऊ था, ये चाचा था, अरे यार इसको तो मैं इतने प्यार से दोस्त था, इतना संबंध अच्छा था, फिर भी मेरे को रिजेक्शन कर दे। वो आपको रिजेक्शन नहीं किया दोस्तों, वो प्रोडक्ट को किया है, आराम अपने ऊपर लेके और बैठ जाते, दोबारा नहीं जाते हैं। उसके जिस दिन प्रोडक्ट समझ में आएगा दोस्तों वो आपके साथ आ जाएगा। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, और आने वाले समय में जो क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कर लेगा तो बहुत अच्छा पैसा कमा लेगा, और नहीं भी होल्ड करेगा तो आपको जरूरत के मुताबिक बेचते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, बाद बाकी बचा हुआ रोक के रखिए। इस रेट में भी दोस्तों आज के रेट में इतना फील्ड में किसी भी फील्ड में पैसा नहीं मिल रहा जो इस कंपनी में मिल रहा है। मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी खुद बता रहा हूँ दोस्तों, मैं 15,000 की नौकरी कर रहा था मात्र, फरवरी में मैंने छोड़ा था 14 फरवरी की। आज इस रेट पर भी अगर मैं अपने कॉइन को सेल करता हूँ तो 7 लाख रुपया लगभग मंथली बन रहा है। बताइए 7 लाख रुपए कमाने के लिए आज रेट में कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारी टेंशन लेनी पड़ेगी, सैलरी देना है, किसी को छुट्टी भेजना है। तो दोस्तों मैं यही चाहता हूँ आप बताइए, जैसे गोवा में आपने इवेंट अटेंड किया और वो दिन मतलब कि पूरा दिन हम जोश से भरे रहे, वो जोश आपको मतलब कैसा लग रहा, कितने परसेंट आपकी और पावर बढ़ गई है काम करने की ऐसे इवेंट को अटेंड करने के बाद? सर उसमें तो देखो एक तो एनर्जी मिली थी हमको बहुत जबरदस्त तरीके से, अभी जो हम फील्ड में जो काम नहीं कर पा रहे थे आज हमारे पास सेलिंग नहीं आ रही, मगर मैं वहीं पर रहते रहते भी सर कई ज्वाइनिंग हमारी लग गई थी टीम में, क्योंकि लोग लीडर को भी देखते हैं, यार बंदा तो लगा है तो कुछ तो आ रहा, तभी तो लगा काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वहां रहते रहते भी सर टीम में ज्वाइनिंग लगने लगी थी क्योंकि पॉजिटिविटी आई थी, और अब तो ग्राउंड में बहुत अच्छा काम होगा, और अब छोटी छोटी पॉकेट्स मीटिंग भी करेंगे। मैं तो जूम के ऑलरेडी मीटिंग ट्रेनिंग चलाता था, लोग पॉजिटिव ऑलरेडी थे, हमारे पास कोई ऐसा कॉल नहीं आते थे सर क्योंकि तुम रेड डाउन है, मैं क्यों उनको समझाता था दोस्तों, क्योंकि हमारा 5 लाख रुपए अगर हम MIS करते हैं या पोस्ट ऑफिस में डालते हैं या बैंक में डालते हैं FD करते हैं तो मात्र 27 रुपए पर मंथ ब्याज मिलता है। मैं इस तरीके से समझाता हूँ, इस फील्ड में तो बहुत अच्छा मिलता है, जिसने 1 लाख रुपया लगाया उसका भी आज के रेट के हिसाब से भी 5,000 रुपए पर मंथ बन रहा है। सर सबसे बड़ी बात इस कंपनी में कि आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्लान बताना है, आपके पास एरिया है, स्पेस है, और इंडिया की मार्केट तो दुनिया की टॉप कंपनीज भी आने के लिए बेताब रहती हैं, तो आपको सिर्फ बताना है विदाउट इन्वेस्टमेंट। इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी कि आप इसमें इतना कमा सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते, सिर्फ आपका काम है कि बताना, नई जगह पे जाना और लोगों को बताना। कम से कम अगर रूटीन में 10 जने की रूटीन भी बनाए, 10 में से 2 भी आ जाते हैं ना, तो हमारा उस दिन का काम बन जाता है। तो मैं जब जुड़ा था तो मेरी यही सोच रहती थी यार एक बंदा बाय हुक और क्रुक डेली नया इसमें मैंने अटैच करना है, जैसे मर्जी हो, चाहे मेरे को सड़क पे बताना पड़े, चाहे मेरे को जहां मर्जी बताना पड़े, या सुबह वॉक पे हम लोग इतनी जगह जाते हैं घूमने। अब मैं आ रहा था, मैं सुबह आपको वापसी की बात बताता हूँ, गोवा रेस्टोरेंट, गोवा एयरपोर्ट पे मैं रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, तो वहां पे क्या है कि आपको मैं बताता हूँ डेबिट कार्ड के ऊपर 2 रुपए में एक खाना फूड प्रोवाइड होता है। तो 3 लेडीज थी पंजाब की मोगा की, तो उनके साथ जेंट्स भी थे, बहुत अच्छे बिजनेसमैन लग रहे थे, तो उनके पास डेबिट कार्ड नहीं था, तो मेरे पास 5 डेबिट कार्ड पड़े थे, मैंने 3 डेबिट कार्ड अपने उनको स्वाइप करवाए और उनसे एक रिलेशन बनाया। मेरा क्या लग रहा, मेरा तो कुछ नहीं लगा, और उन्होंने मुझे मोगा इन्वाइट कर दिया, अननोन पर्सन, अननोन चेहरा, एक ट्रस्ट। उनको मैंने डेबिट कार्ड दिखाया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाया, तो वॉलेट दिखाया भी ऐसे हमारा वॉलेट बनता है, और फ्यूचर दिखाया, फ्यूचर कंपनी के विजन की बात की कि कंपनी आगे जाके क्या करने वाली है, हमारे को क्या चाहिए बिजनेस, कोई भी इंसान है दुनिया में उसको क्या चाहिए, प्रॉपर्टी, गाड़ी, वर्ल्ड टूर, घूमना फिरना, हॉलीडे पैकेजेस, तो ये सारा कुछ तो दे रहा है।
ये प्रोजेक्ट सारा कुछ तो दे रहा है, तो वहीं पे मैंने एक अपना नेटवर्किंग का, मेरे को नहीं पता था सामने वाला ऑलरेडी एलपीएन टोकन कर रहा है, लेकिन उसने मेरे को अपना मोगा में इनवाइट किया, तो मैं उनकी कॉल कर लूंगा क्योंकि मेरे पास आज यहाँ पे काफी कॉल्स हैं। तो ये चीजें हैं, आपको रिलेशन बनाना है, कहीं पे भी बना सकते हो, ठीक है ना, कंपनी के बारे में बात करो, क्यों तिलक जी ऐसे ही बनते हैं रिलेशन। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बहुत बता रहा हूँ, जहां बैठो वही चर्चा करो, आप वो सामने वाला पूछेगा सर आप करते क्या हो, तो आप ये देखो वो सोनाली का ट्रैक्टर है, तो सोनाली का ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेसमैन, उनके पास डेबिट कार्ड सिर्फ एक या दो थे, बाकी उनके साथ वाइफ थे बच्चे थे, तो मैंने अपने डेबिट कार्ड दे दी, तो इसमें क्या हर्ज हुआ, मेरे को एक रिलेशन मिल गया, मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिल गया। तो ऐसे स्ट्रेटेजियां बनती जाती है। मैं अब सुबह वॉक करने भी जाता हूं, तो वहां पर भी कोई वॉक कर रहा होता है तो मैं उनको हाय हेलो खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, वही रिलेशन बनाते हैं। तो ऐसे रिलेशन बनते चले जाएंगे। आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा, फेसबुक का सहारा लो, व्हाट्सएप का सहारा लो, इंस्टाग्राम का सहारा लो, कुछ तो करो, कोई क्लब ज्वाइन करो, ये आपकी स्ट्रेटेजी है, जिम ज्वाइन करो, स्विमिंग पूल ज्वाइन करो, तो यहाँ पे आपको मार्केट मिलेगी, आपकी मार्केट आपके हाथ में ही है, तो आपने बनाना है और सिर्फ बोलना है। जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ दूध भी नहीं पिलाती, हमने तो फिर पैसा निकलवाना है, इन्वेस्ट कराना है, टेक्नोलॉजी का टेस्ट करवाना है। तो ये चीजें हैं। मैं अपने आप को ना, मैं तो एक अकाउंट्स का पर्सन था, मेरे को तो मार्केटिंग बिल्कुल नहीं आती थी, दिल्ली की मार्केटिंग नहीं आती थी सर मेरे को, लेकिन मैंने क्या किया यार, मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मेरे पास पावर है चलने की, और पैसा गिरता है तो इंसान ऑटोमेटिकली चलता है, तो पैसे की पावर इतनी है, हम भाग के फटाफट गोवा पहुंच जाते, फटाफट इधर आ जाते, इतना जुनून चढ़ा हुआ है कि अभी फिर से कोई कहे मीटिंग है और एक अच्छा प्रोग्राम मिल रहा है सीखने, तो हम फिर चले जाएंगे। लेकिन डिजिटल बिजनेस होने के नाते हम इसको घर जहां मर्जी कर सकते हैं। अब आप क्या सोच रहे हो, मैं गोवा गया या मैं कहीं और जाऊंगा तो मेरा बिजनेस रुकेगा? नहीं रुकेगा, मैं पीछे अपनी सपोर्ट देखेगा, तो मेरा जो टीममेट है वो इसको संभालता है। तो ये चीजें डिजिटल प्रोसेस में हमको बहुत बेनिफिशियल है, आप सीखते चलो, अपडेट करते चलो और काम करते चलो। तो तिलक जी बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ कहना चाहेंगे सर आप? थैंक यू सर, मैं यही बोल रहा था, मैं भी जब गोवा जा रहा था फ्लाइट में एक व्यक्ति मिला था, वो भी गोवा ही जा रहे थे बिजनेस पर्पज से, और जब बातचीत करना शुरू हुआ तो उनके पास वॉलेट में 3.5 बिटकॉइन थे, तो उन्होंने मेरा नंबर लिया, मैंने उनका नंबर लिया और बोला मेरे एक दोस्त के पास 100 बिटकॉइन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, और हमें सर गर्व होना चाहिए, वर्ल्ड की नंबर वन टेक्नोलॉजी में हम काम कर रहे हैं, हमें किसी चौराहे पे खड़ा होके ये नहीं कहना चाहिए अलग सर क्या कर रहे हैं, अलग सर अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं देते, हमने अपना काम करना है, ठीक है ना, हम इतने ज्ञानी नहीं बन चुके कि उनको एडवाइस दें कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये चीजें बिल्कुल ध्यान में रखो, ये कनेक्टिविटी, जो भी बिटकॉइन आपको ना रिस्क, मार्केट में बहुत लोग इन्वेस्ट करने के लिए बैठे हैं, आप लोग वहां पहुंचना है, इसका डाटा आपको अकाउंट्स पर्सन से मिल सकता है कि कौन सा बंदा इंटरेस्टेड है और रिस्क टेकर है। अब एक एक बात और बताता हूँ, जो यस सर ने बताई थी हमें कि घर में किसी का जो भी है स्वीपर लगा हुआ है या काम वाली लगी हुई है, उसको प्लान मत दे, उसको प्लान मत इसलिए ना दे क्योंकि उसका वॉलेट अगर गुम हो जाता है तो उसके जिम्मेवार आप लोग होंगे, तो यार उन लोगों को क्या पता कि कैसे मार्केट चलती है, ठीक है ना, या तो अपने रिस्क पे दे या बिल्कुल मत दे, क्योंकि ऐसी चीजें आपको आगे जाके परेशान करेंगी, आप लीडर हो, कल को आपका काम बढ़ेगा तो आपको वो लोग कॉल करेंगे बार बार, ठीक है ना, तो उनको इस चीज का नहीं पता, तो इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो रिस्क टेकर या जो ले सकता है मार्केट को समझता है, ठीक है ना, उस चीज को बिल्कुल सामने वाले को क्लियर करके दे, हम लोग आधी बातें तो बताते ही नहीं, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होके काम करें, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में बहुत जान है, और राइट मार्केट, राइट प्रोडक्ट और राइट प्रमोटर, हम लोग प्रमोटर हैं तो राइट प्रमोटर की इसमें जरूरत है, और जो काम कर सकता है उसको साथ में जोड़े और उसको पूरा दिल से सिखाएं, चाहे उसके लिए आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े। हाँ जी तिलक जी बोलिए सर। बस थैंक यू सर, मैं ये चाहता हूँ एक दो क्वेश्चन ले लीजिए, टाइम भी बिल्कुल हो गया। सर बिल्कुल लेंगे सर, देखता हूँ मैं यहाँ पर, एक मिनट, दिनेश सफायर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, तो एक मिनट सर, रिक्वेस्ट ही नहीं जा रही, तो
एक मिनट सर, सर एक मिनट, वर्किंग नहीं कर रहा है, क्या दिक्कत है? मोर पे जाके एक होगा ये हैंड रेस किया है यहाँ पे, मेरे से इनको अनम्यूट नहीं हो रहा है। ये मोर पे आप क्लिक करिए तो एक अनम्यूट के लिए ऑप्शन आता है। मोर पे सर, मोर कहाँ, मोर कहाँ पे ऑप्शन? यहाँ पर हैंड रेस करते ना। यस 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 यस, हाँ वहाँ से आता, देखिए वहाँ से परमिशन देते हैं। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको सर, यहाँ पे जो स्क्रीन दिख रही है ना मेरे को, तो अमरजीत कौर पर्ल, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ, मेरा हो ही नहीं, हैंड रेज दिखा। हेलो हेलो, हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, मैं अमरजीत कौर बोल रही हूँ मुंबई से। हाँ जी मैम बोलिए। सर इससे पहले एक लेडीज ने बताया था कि एक लेडीज थी इससे पहले जो यश सर ने उनको अनम्यूट किया था। हाँ जी हाँ जी, करनाल से मैम। सर मैं वहाँ करनाल से, सर मैं मुंबई से हूँ। हाँ जी मैम, तो मेरा एक डाउनलाइन था उसका ऑल द टाइम क्वाइन चोरी हो रहा था। ओके। और वो हमें पता था कौन कर रहा है क्योंकि अपलाइन ने ही उसका बारकोड बनाया था और वो बारकोड उसके पास था और कोई डिफेंडर नहीं लगाया था कुछ नहीं, तो 4 महीने से वो लगातार चोरी हो रहा था। ओके। और वो लेडी काफी परेशान थी, बेचारी हाउसवाइफ थी, एकदम अनपढ़, अंगूठा छाप, तो काफी परेशान थी। मेरा बेटा है 18 ईयर्स, अब भी हुआ 18 ईयर्स, तो हम मैंने उसके 1.5-2 महीने पहले इस बिजनेस में जबरदस्ती बोला है कि आप सीखो इसको, क्योंकि मैं सीख नहीं पा रही हूँ, मैं भी काफी ये नहीं हूँ इन सब चीजों में, टेक्निकली मुझे कुछ नहीं आता है, मैं मेडिकल फील्ड में हूँ तो मुझे कुछ टेक्निकली आता नहीं है सर। Okay. और शायद मेरा इंटरेस्ट भी कम है टेक्निकल में क्योंकि मैं ऑल द टाइम इमरजेंसी ड्यूटी पे रहती हूँ और मेरे दिमाग में वही घूमता रहता है। तो सर फिर मेरे बेटे ने परसों उनकी मिंटिंग आई थी, तो उन्होंने उनकी मिंटिंग निकाल ली सर, उनका जो वॉलेट से निकाला है उसने, पता नहीं कैसे निकाला है, बट उन्होंने फिर रात को मुझे 2 बजे उठाया और बोला मामा, वो आंटी आती हमेशा रोती है कि मेरा कोई निकाल लेता है, तो आज मैंने उनका वॉलेट वगैरह, हमेशा में से कुछ टेक्निकल इशू लेके आती है, हम कर नहीं पाते हैं, लेकिन लास्ट टू लास्ट नाइट हमने निकाल ली है। और उन्होंने मतलब मुझे ना ऐसा ओपनली कुछ बात नहीं करनी, मुझे किसी का नंबर चाहिए क्योंकि जो मेरे अपलाइन है, बहुत सारे अपलाइन है, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहती। उससे हम 4 महीने से ये टेक्निकल इशू सॉल्व करवा रहे हैं, वो अपने सीनियर्स को कॉल करते हैं, फिर सीनियर्स को कॉल करते हैं, फिर बोलते हैं कुछ हो नहीं पा रहा है, फिर वो बोलते हैं नहीं आपका डाउन लाइन है, वही चुरा रहा है, वही चुरा रहा है। बट लास्टली मेरे बेटे ने ओपन कर लिया और एक नया बारकोड बनाया है उसने, वो बारकोड से उसने वो क्वाइन उठाया है। बट मुझे समझ नहीं आती क्योंकि मैं ऑल द टाइम मीटिंग में सुनती हूँ कि एक बार आपने किसी को अपना बारकोड दे दिया तो यू कैन नॉट हैव एनी टाइम, बारकोड देने के बाद आपकी वो 12 महीने की मीटिंग चली गई है। सर कैन यू हियर मी? यस 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 मैम बोलिए। वो मीटिंग चली गई है तो मुझे नहीं पता वो कैसे किया है, उन्होंने नया बारकोड बनाया और वो बारकोड भी मुझे भेजा है, मामा ये नया बारकोड है आप संभाल के रखो, आंटी जब भी अब आएगी अब इस नए बारकोड से उसका मिंटिंग निकाल के दे दूंगी। तो मुझे थोड़ी बात करनी थी, मुझे इतना नॉलेज तो नहीं है, मुझे थोड़ी बात करनी थी, मुझे किसी मतलब जो लोग जैसे थॉमस कर रहे हैं आप हैं जो टेक्निकल इश्यूज देखते हैं, मुझे आप लोगों का नंबर चाहिए था सर। ओके मैम, मैं कोई दे नहीं रहा है नंबर सर। मैं मैम दे देता हूँ नंबर। I don't know how he made a new barcode, मुझे नहीं समझ में। मैडम उसमें हम एक काम कर सकते हैं, उसमें हम एक अपने माइंड से काम कर सकते हैं, वॉलेट तो चला गया है, मान लो आपका कॉइन 11:50 पे आना है, 11:50 पे आप बिल्कुल उसी वक्त उसने उसी सेकंड उठाया है, लेकिन लास्ट 2-3 महीने से मेरे सीनियर वही कर रहे हैं, वो बोलते हम नहीं उठा पा रहे हैं, हमेशा बोलते हैं हम नहीं उठा पा रहे। मेरी बात सुनिए, हम एक कोशिश कर सकते हैं इसको बचाने की,
11:50 पे आपका कॉइन आ रहा है, 11:49 पे आपने बिल्कुल रेडी रहना है और अपनी एक्सचेंज का एड्रेस जैसे कॉइन्स बिट का जहां ट्रांसफर करना उसका ऑलरेडी कॉपी करके वॉलेट को खोल के बैठ जाना है। जैसे ही वो कॉइन गिरेगा साथ ही पेश करके आप 1 मिनट के अंदर अपना कॉइन खुद ले सकते हैं। ये आपके पास लास्ट ऑप्शन बची है, लास्ट ऑप्शन है सर। सर वही मेरा बेटा बोल रहा था, दिस इज द ओनली ऑप्शन। बिल्कुल, और ये लास्ट 4 महीने से उसमें ट्राई कर रहे हैं सर, फिर वो क्यों नहीं उठा पा रहे थे। तो यही मैं आपको एडवाइस दूंगा अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी मैं थॉमस सर का भी नंबर शेयर कर देता हूँ और अपना भी कर देता हूँ, जहाँ आपको ठीक लगे हेल्प। हाँ सर, आप चैट पे करेंगे? हाँ जी, हाँ जी मैम, चैट पे दे देता हूँ। ओके सर। सर बहुत मुश्किल से मुझे ये मीटिंग सुनने को मिलती है, ओनली इन संडे, और किसी दिन मिलती नहीं है। लो मैम, मैंने अपना नंबर दिया। संडे का वेट करती हूँ कि मैं किसी सीनियर से बात हो जाए, क्योंकि मेरे जो अपलाइंस है वो अपलाइंस है डायमंड्स है, रेड डायमंड्स है, ब्लू डायमंड्स है, बट कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं देता है सर इसके बारे में ज्यादा। आप मैडम कनेक्ट कीजिए मेरे को, मैं आपको गाइड करूंगा, जितनी भी हेल्प हो सकी मैं करूंगा यहाँ से। और सर मुझे एक और कंप्लेन थी, मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकती ओपनली, और कंप्लेन थी कि लास्ट 4-5 महीने से अगर हम ये बिजनेस कर रहे हैं तो जो हम कॉइन का पैसा देते थे अपने सीनियर से कॉइन मंगवाते थे, वो कॉइन में भी गड़बड़ कर देते थे, ये हमें अभी अभी पता चला। मैं समझ सकता हूँ मैम, बहुत कुछ इसमें लूपहोल्स हैं, आप समझ बहुत कुछ लूपहोल्स हैं। आपको बिल्कुल क्लियर विजन दे दूंगा, आप कॉल कर लेना मेरे को, चाहे मीटिंग के खत्म होने के बाद कर लेना या जब भी आप फ्री हो तो मेरे को कॉल कर लेना, ठीक है सर। मैं एक व्हाट्सएप मैसेज कर दूंगी, आप जब भी फ्री हो मुझे कॉल कर। हाँ 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 मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। ओके थैंक यू सर, बस इतना ही करना। दिनेश जी आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। हाँ जी दिनेश जी, आप सुन रहे हैं आवाज सर? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, हाँ जी परफेक्ट आ रहा है, बोलिए सर। मेरा प्रोसेस ये था सर, जो माई बुक सर एल बैंक अभी बंद पड़े हैं, तो उसमें जैसे मेरा सर पीएलसी बैलेंस है तो सर उसको मैं फॉर्म में लोड कर सकता हूँ? सर जो बाय बॉक्स अभी बंद पड़ी है वहां पे सिर्फ ट्रेडिंग हो रही है, आप जैसे यूएसडीटी डलवा के यूएसडीटी को कैश कर सकते हैं। कॉइन का डिपॉजिट और विड्रॉल बंद है, मेरे भी 5 लाख के कॉइन पड़े हैं, मैं विड्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ये है कि जैसे मेरी बाइंग है मान लो 8,000 पे, तो जैसे ही 9,000 पे आता है तो मैं उसको सेल करके अपने यूएसडीटी वहां से उठा के कॉइन स्पिट पे लेके जा सकता हूँ, तो ये ऑप्शन है सर। वो तो सर ठीक है सर, पर मेरे को यहाँ से जो मेरा पीएससी है उसी को फॉर्म में भरना। नहीं सर अभी ऑप्शन नहीं है सर, अभी सर वाई बॉक्स में 10,000 से भी ऊपर हो गया रेट। ओके सर, सर वो ठीक है सर, लेकिन अपना सर भाई पीएससी को मेरे को गुड न्यूज़ दे रहा हूं। मैंने गोवा से पहले 8,000 पे बाय किया था, 10,000 से ऊपर हो गया, तो ये आप अपने यूएसडीटी निकाल सकते हैं। अगर 2 महीने बाद मान लो एक्टिवेट होता है बाय बॉक्स तो आपका कॉन्ट्रैक्ट फिर उस हिसाब से बनेगा, तो आप 2-4% का लॉस, वो जो भी लॉस है कॉन्ट्रैक्ट का, मिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट का, वो ना करें। करंटली रेट पे जो आपको कॉइंस बिट पे रेट मिलता है उस पे यूएसडीटी वहां से ट्रांसफर करके वहां से परचेज करके अपने फार्म में डाल लें सर, यही एडवाइस मिलेगी। अच्छा सर, ये सर अपने को बाय बॉक्स और एल बैलेंस का कब तक की उम्मीद है सर अपन इसमें से? सर इस सितंबर की, 1 सितंबर की डेट मिली है, अगर वर्किंग पहले होगी, क्योंकि 400 इंजीनियर्स लगे हुए हैं मिस्टर एगोर के साथ, अगर हमारी वर्किंग पहले हो जाती है तो ये पहले भी खुल सकता है। तो अभी जब तक सर ने बोला ना कि जब तक हमें सेफ्टी महसूस नहीं होती, दोबारा कॉइन चोरी नहीं होता, उसके ऊपर जो इन्होंने बना दी, अगर वॉलेट के ऊपर डिजिटल सिग्नेचर लेके आ रहे हैं, तो ये चीज अगर पहले बन गई तो तब तक सर ये पहले भी हो सकता है। सर एक इसमें बीच में मैसेज आएगा 1 सितंबर से लगा के आगे कुछ टाइम तक, इसमें एक बार मतलब इसमें विड्रॉल पूरा वर्क बंद हो जाएगा, उसका क्या मीनिंग था सर? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, क्या होता है कि बाय बॉक्स पे हम लोग क्या करते हैं कि भेड़ चाल चलते हैं, बाय बॉक्स पे सारा ट्रैफिक बाय बॉक्स पे था, अब बाय बॉक्स से, लेकिन हमारी जो एक्सचेंज है सर की एलेक्स सर के सिस्टम कॉइंस बिट है वो, तो कॉइंस बिट पे हम लोग काम करना चाहते हैं ज्यादा, ना कि बाय बॉक्स पे। बाय बॉक्स एक अच्छा एक्सचेंज है, लेकिन वहां पे जो वॉलेट से कॉइन चोरी होके वहां पे बिक रहा था उसके रेट को मेंटेन करने के लिए ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, वो भी हमारे हित के लिए, तो हम लोगों को थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा। तो ये चीज है सर, आप 1 सितंबर तक वेट कीजिए, सारा उस टाइम सारा कुछ ओपन हो जाएगा। अच्छा सर, कॉइंस बिट में तो सर अपने तो हमेशा के लिए ये विड्रॉल डिपॉजिट सर ओके ही चालू रहेगा? बिल्कुल सर बिल्कुल, कॉइंस बिट हमारा अपना एक्सचेंज है तो उसपे आपको सारी फैसिलिटीज ओपन रहेंगी,
तो आप अपना कॉइंसबिट पे जाके अपना यूएसडीटी से वहां से परचेज करके या नए सीधा सलाह ये होगा यहाँ से अपन अपना डॉलर निकाल के कॉइंसबिट में भर के वहां से पीएसओ क्योंकि सर आपको 2-4 हजार मान लो रेट अगर कॉस्टली है तो आपको वो नहीं देखना आपका कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है इस चीज को आप रखिए सर मेरे पास इसमें तो 11 हजार के 2 फॉर्म है और 1500 के 4 सर ये टाइम है लंबे रूप से जुड़ा हुआ हूँ ठीक है सर आपका कॉइन बन के आ रहा है वो भी उसमें डालिए फॉर्म में और कॉइन्स बिट से फटाफट परचेज करके उसमें फिलअप कीजिए सर ठीक है सर ये गोल्डन टाइम चल रहा है क्योंकि दिसंबर में हमने जब ज्वाइन किया था तो इसी रेट पे बाइंग हुई थी तो आपका कॉइन मैन्युफैक्चर होके आएगा अल्टीमा एक्स भी आएगा तो उसकी परचेजिंग भी अल्टीमा से होगी तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाइए फटाफट ओके सर थैंक यू ठीक है सर प्रदीप जी जेड रैंक पे हैं मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूं तो हाँ जी सर बताइए सर आपका क्या क्वेश्चन है नमस्कार सर नमस्कार जी मैं राधे राधे मैं वृंदावन से बोल रहा हूं राधे राधे जी जय श्री कृष्णा मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछना चाह रहा था एक तो वो ये पूछ रहा था कि मेरे पास में फॉर्म है ओके अच्छा अगर मान लेते हैं ये सितंबर निकल जाए और वो फॉर्म मेरे पास में पड़ा रहा है 2 पैसे वाला ओके तो वो क्या फॉर्म खराब हो जाएगा नहीं सर आपको कॉइन उसी टाइम जो रेट होगा वो खरीद के और उस टाइम का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा जैसे आज 50% दे रहा है हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो उस टाइम 45 होगा 40 होगा जो भी कैलकुलेशन होगी वो मिलेगी आपको खराब नहीं होगा जो भी रेट होगा वो होगा एक तो देखो रेट का लॉस हो सकता है दूसरा कॉन्ट्रैक्ट का लॉस हो सकता है ठीक है ना और इससे पहले कोई कॉइन आपके पास बन के आ रहा है सर जी आ रहा है सर उसको बन के जो आ रहा है उसको इसी में डाल दीजिए मैं वही कर रहा हूँ आज तक मैंने वही किया है 27,000 का फॉर्म भी लिया था मैंने उसी से एक ही फॉर्म से ही उसी में कर लिया है अच्छा दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये सितंबर के बाद में फॉर्म तो मिलेंगे नहीं तो ये जो बोल रहे हैं कि साल भर के बाद में आप रिन्यू करा सकते हैं तो उस समय क्या फॉर्म मिलेंगे सर ऐसा है कि जो हमारी बिनेंस की कंडीशन है उसकी जो अल्टीमा को है वहां पर लेने की तैयारी हो रही है तो उनके लिए कंडीशन है कि इसकी नेटवर्किंग बंद होनी चाहिए तो सर कब दोबारा रीओपन करें एक्टिवेट की ऑप्शन आपको जरूर मिलेगी अगर आपकी एक एफडी होगी है बैंक में तो 3 साल का अगर हमने प्लेटफॉर्म निकाला है तो उसमें आपके पास ऑप्शन जरूर आएगी तो ये सर तब की तब देखेंगे फिलहाल जो प्रोडक्ट चल रहा है या जो समय चल रहा है आप अपना इसी पे मेरा फोकस है ठीक है सर तीसरा मैं आपसे ये पूछ रहा था कि सारी बातें हो जाती हैं लेकिन अब जैसे मैं अपने बैंक से 50,000 निकालता हूँ किसी को देता हूँ किसी की पे आउट आती है उसको निकाल के देता हूँ तो इस पोजीशन में मुझे क्या बैंक के प्रति लेना चाहिए वो सारी चीजें कभी नहीं बताते इसमें सर ऐसा है जो पहले तो हमारा जो कॉइंसबिट एक्सचेंज है उस पे अब क्या की केवाईसी हो रही है ठीक है ना पहले भी होती थी तो उसमें जो सामने वाला है उसी का अकाउंट बनाए और केवाईसी में उसी का कॉइन उसी के उसमें ट्रांसफर करे अपनी कॉइंसबिट में ना ले क्योंकि कल को टैक्स का नोटिफिकेशन आ जाए तो उसके जिम्मेवार फिर आप लोग ही ठहराएंगे कि आपके ऊपर लायबिलिटी आएगी तो ये चीज है बाकी जो आप अकाउंट की बात कर रहे हैं वो आप किसी करंट अकाउंट में ले सकते हैं सेविंग में पेमेंट ना ले किसी की तो आपके लिए क्योंकि 1 साल की लिमिट हमारी 5 लाख की है इनकम टैक्स के नजरिए से सेविंग में ना ले कोई करंट अकाउंट है कोई जैसे डम्मी अकाउंट है जैसे आपकी मदर का अकाउंट है बहन का अकाउंट है ब्रदर का अकाउंट है जो खाली पड़ा है जिसमें आपको लगता है कि साल से 5 लाख से ऊपर नहीं गया ट्रांजेक्शन तो उसमें आप सर्विस देने के लिए ले सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप क्लाइंट की पेमेंट अपने अकाउंट में लें दूसरी बात अगर क्लाइंट ने पक्के में करना है काम तो बिनेंस उनका एक्सचेंज डाउनलोड करवाएं उनके प्ले स्टोर से वहां पे केवाईसी होगी तो जो यूएसडीटी बाय कर रहे हैं बिनेंस से बाय करें वो गूगल पे से हो जाते हैं आईएमपीएस से हो जाते हैं तो वो चीजें उनके मोबाइल में करें उसमें जो भी टाइम लगेगा तो वो तो लगना ही है सर एक बार ही हो जाएगी मेहनत तो फिर सदा के लिए ये ठीक रहेगी हमारे लिए सर यही मेरा सजेशन था कि इस विषय पे भी कभी कभी थोड़ा सा किस लोगों को मेरे पास जितना नॉलेज होगा मैं कल सर से बात करके जब भी सर आएंगे तो मैं इस विषय पे एक टॉपिक आपको मतलब तैयार करके बताऊंगा कि कैसे हम अपनी सावधानी रख सकते हैं
कल को इनकम टैक्स का अगर नोटिस आता है तो उसमें लाइबिलिटी आपकी बनेगी कॉइन्स बिट। अब कल परसों से हमने क्या किया, हम किसी का कॉइन भी अपने कॉइन्स बिट एक्सचेंज पे नहीं ले रहे। सामने वाले आएगा अगर उसका उसने कॉइन बेचना है तो उसी की एक्सचेंज डाउनलोड उसके मोबाइल में करवाएंगे, उसकी केवाईसी करवाएंगे और उसी का कॉइन उसको ट्रांसफर करके देंगे। जी 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 जी, तो ये मेरा यही था, डर बना रहता है इसलिए। नहीं नहीं सर, अपनी सावधानी, ये जो देखो प्रैक्टिस करनी है ना तो सही तरीके से करो, एक बार की मेहनत होगी उसके बाद आपको इसमें ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कॉइन ट्रांसफर जब उनके हाथ से होगा तो उनको समझ आ जाएगी कैसे करना होता। जी जी, थैंक यू सर, यही पूछना था। राधे राधे। ठीक है सर, राधे राधे। टाइम हो गया सर अभी काफी। ठीक है सर, फिर आज हम अपनी मीटिंग को क्लोज करके सुबह मिलेंगे एक नई शुरुआत के साथ और शाम को शायद अच्छा हुआ, मैं आपको बोल दिया, सबको पता।